एपिसोड की शुरुआत ड्रामा की फीमेल लीड नुअल को दिखाने से होती है, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी और रास्ते में चलते हुए कहीं पर जा रही थी। पर तभी अचानक से उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग जाता है, पर फिर भी वो चलती रहती है। जहाँ वो चलते चलते आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान दे रही थी, जो सब अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, और यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक से उसके पेट में और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और वो रोड क्रॉस करते करते वहीं पर बैठ जाती है। चार रास्ते में एक ट्रक सीधा उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। अब वो ट्रक इससे टकराने ही वाला था, पर तब ये सीन यहाँ से कट होकर एक ऑपरेशन थिएटर में आता है, जहाँ पर डॉक्टर ग्योंग एक सर्जरी कर रहे थे, जहाँ पर मौजूद पेशेंट की ब्लड वेसल्स ओवरफ्लो करने लग जाती हैं, जिससे उसका काफ़ी सारा खून बह गया था। तभी लाख कोशिश करने के बाद भी ग्योंग इसको नहीं बचा पाते और उसकी मौत हो जाती है। और ये इंसिडेंट ग्योंग की लाइफ में बहुत ही बड़ा और बेकार मोड़ लेकर आने वाला था। यहाँ से सीन अब पास में 2009 बुसान में आता है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट के बाहर मिस वोंग को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी का रिजल्ट आने वाला था। साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी मौजूद थे, जो सभी मिसेस वोंग को बधाई दे रहे थे। यहाँ पर इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि इनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि नियोल है, जो कि पूरे टाइम बस पढ़ाई करती रहती है। साथ ही जब से वो 3 साल की थी, तब से वो सिटी की टॉपर थी, जिसको हर बार बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते थे और हर बार वो सिटी में टॉप करती थी। आज के टाइम पर भी उसको सोल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन मिल गया था, जिस कारण वोंग ने पार्टी रखी थी। फिर हम नियोल की कुछ हरकतों को देख पाते हैं, जो कि ज़रा सा भी टाइम इधर उधर नहीं करती थी, और ना ही उसे बाकी लड़कियों की तरह सदने सवरने की आदत थी। उसे जो पहनने को मिलता था वो उसे ही पहन लेती थी। साथ ही खाना खाने के लिए भी वो परफेक्ट टाइम रखती थी, और दिन में 24 में से 7 घंटे सिर्फ पढ़ाई करती थी और बाकी के टाइम वो सोती थी। दूसरी तरफ हम ग्योंग को देखते हैं, जो कि सोल का नंबर 1 स्टूडेंट था, और अब रिजल्ट आया था तो उसके दोस्त भी उसे हवा में छुड़ा रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो ग्योंग की बहुत सारी फोटोज खींचते हैं, जिससे कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और अभी इसी तरीके से मजे करते हुए यहाँ से कहीं जाने लगते हैं। आगे हम नियोल को देखते हैं, जो कि रात में जब घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि आज उसके फादर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए उसकी बुआ वगैरह यहाँ पर आई हुई थी। नियोल का एक छोटा भाई भी था, जो कि अभी स्टूडेंट था। अभी यहाँ इतनी देर से आने के बाद भी नियोल एक भी मिनट टाइम बर्बाद नहीं करती और सीधा पढ़ने के लिए चली जाती है। साथ ही यहाँ पर ये खाना खाते हुए भी पढ़ाई कर रही थी, पर खाने के दौरान उसके परिवार में हो रही बातों से हमें पता चलता है कि उसकी बुआ चाहती है कि वोंग अपने हस्बैंड की फैक्ट्री को बेच दे, जिससे जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% वो खुद रख लेगी और बाकी नियोल की बहन को दे देगी। लेकिन वोंग ऐसा नहीं चाहती थी, जिस बात पर यहाँ पर इनकी काफ़ी बुरी बहस होती है और लड़ाई भी शुरू हो जाती है। लेकिन इस सबसे नियोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी अपना सम सॉल्व करने में ही लगी हुई थी और बात अब हाथापाई पर उतर आई थी। अब जैसे ही नियोल का सम सॉल्व होता है तो वो खड़ी होती है और वोंग से बुआ की बात मानने को बोलती है, और अब उन्हें आइडिया देती है कि अब वो सोल में जाकर रहेगी, जो सुनकर उसकी मोम उसकी बात को पहली बार में ही मान जाती है, क्योंकि अगर वो जानती थी कि अगर नियोल कुछ बोल रही है तो उसके पास ज़रूर उसका कोई प्लान होगा। अगले सीन में जब ये लोग सोल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सभी लोग स्कूल के दौरान जियोंग को समझा रहे थे कि अब जो स्टूडेंट आने वाली है वो अपनी सिटी की टॉपर थी, साथ ही वो बहुत ही पढ़ाकू है। लेकिन जियोंग को इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, जहाँ वो कहीं ना कहीं खुद भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि नियोल के आने की वजह से उसका कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला था। अब क्लास में जैसे ही टीचर नियोल को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करती है तो हम देख पाते हैं कि नियोल यहाँ पर सिर्फ जियोंग को ही देखे जा रही थी, जैसे वो उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता करके आई हो। साथ ही जियोंग, जो कि पहले ही दिन नियोल की सुंदरता का कायल हो गया था, वो तो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। फिर रिसेस के दौरान जियोंग के दोस्त नियोल से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर नियोल बस पढ़ने पर ध्यान दे रही थी, इसलिए वो जियोंग के दोस्तों की वजह से गलती से जियोंग पर ही चिल्ला देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, तो वो यहाँ से चला जाता है। और आगे क्लास के दौरान वो शौक तो तब होता है जब क्लास में नियोल उससे पहले टीचर के क्वेश्चन का जवाब दे देती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब क्लास खत्म होते टाइम जियोंग जब यहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि नियोल खाने के नाम पर सिर्फ ड्राई कॉफी खाती है, ताकि वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे और उसको बाथरूम में भी ज्यादा टाइम ना लगे, जो सारी चीजें जियोंग को काफी अजीब लगती है। लेकिन वो अभी के लिए अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। फिर जब वो अपनी दूसरी क्लास की तरफ जा रहा था तब वो देखता है कि नियोल अपना टाइम बचाने के लिए भाग कर जा रही थी, तो जियोंग भी ऐसा ही करता है और भाग कर जाने की कोशिश करता है, जैसे कि इन दोनों में फिर से कंपटीशन होने लग जाता है कि कौन पहले क्लास में पहुंचेगा। पर क्योंकि नियोल को पहले से ही भागने की आदत थी, इसलिए वो जल्दी जियोंग से आगे निकल जाती है, और जियोंग उसको पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा था। वो वापस से उसे अट्रैक्ट होते हुए उसकी तारीफ करने लग जाता है। यहाँ से अब सीन कुछ साल आगे का आता है, जहाँ पर एक पार्टी के दौरान हम देख पाते हैं कि विन यहाँ पर मौजूद है, जो कि जियोंग का दोस्त था, और इस पार्टी में वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए थे। तभी यहाँ पर जियोंग की भी एंट्री होती है, जो कि अब खुद भी एक बहुत ही बड़ा प्लास्टिक सर्जन बन गया था।
लेकिन विन उसे थोड़ा जेलस फील करता था, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर अब उसके साथ अच्छा नहीं रहता। पर जियोंग के बाकी दोस्त उसे काफी अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, साथ ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं क्योंकि आज उसे काफी बड़ा अवार्ड मिलने वाला था। इसीलिए हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के हेड उसको स्टेज पर बुलाते हैं, जहाँ उसको अवार्ड दिया जाता है। और जियोंग यहाँ पर काफी अच्छे स्पीच भी देता है, जिसमें वो बताता है कि आखिर वो प्लास्टिक सर्जन क्यों बना, जिसकी वजह बस ये थी कि उसका मानना था कि अंदर की सुंदरता के साथ साथ बाहर की सुंदरता भी बहुत ज्यादा मैटर करती थी। इसीलिए वो लोगों के अंदर की अच्छाई के साथ साथ उनको बाहर से भी अच्छा दिखाना चाहता था, जिसकी ऐसी बातों से सब लोग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन विन को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था इसीलिए वो शांत रहता है। आगे जब जियोंग इन लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था तो उसकी इंस्टाग्राम हैंडल को देखकर सभी को पता चल जाता है कि जियोंग वहां पर काफी ज्यादा फेमस है। तभी अचानक से वहां पर न्यूल की बात आ जाती है, पर जियोंग जो कि उससे बात करना बंद कर चुका था उसके बारे में कोई बात नहीं करता और बस इतना कहता है कि उम्मीद है वो जहाँ हो सही हो। यहाँ से सीन अब न्यूल पर आता है, जो कि एक कॉलेज में थर्ड ईयर में थी। यहाँ पर उसका एक सीनियर किम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि किम ने न्यूल को एक काम दिया था पर उसने उसको सही से नहीं किया और अक्सर न्यूल के साथ ऐसा करा करता था, जिस चीज के लिए न्यूल उससे माफी मांगती है। पर किम उस पर चिल्लाते हुए उसको काम को सही से करने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। आज न्यूल के पेट में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर जब वो बाहर जाती है तो उसके कुछ दोस्त उसको मिल जाते हैं, जिनमें से एक को पेट दर्द के बारे में बताती है। तब उसकी दोस्त उसको दवाई लेकर आने की एडवाइस करती है, पर न्यूल को किम का काम करना था इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाती। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं, जो कि एक सीनियर डॉक्टर था और उसके सारे जूनियर्स उससे बहुत ज्यादा खुश रहते थे, क्योंकि वो उन सभी का काफी अच्छे से ध्यान रखता था। मतलब कि इन दोनों के हालात एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थे। यहाँ से सीन अब वापस से वोंग पर आता है, जो कि न्यूल के घर आने का वेट कर रही थी, और अब थोड़ी ही देर में न्यूल भी वहां पर आ जाती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वोंग अब यहाँ पर उसके लिए खाना डालकर लाने लगती है, पर न्यूल खाना खा पाती उतने में उसको हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और वो वापस से भागते हुए यहाँ से जाना पड़ता है। जिन सभी चीजों से हम देख पाते हैं कि जहाँ न्यूल की जिंदगी इतनी ज्यादा बेकार चल रही थी, वहीं जियोंग अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहा था और बहुत ज्यादा खुश रहता था। असल में उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी था, जिस पर अच्छे खासी सब्सक्राइबर्स थे, जिससे उसको काफी सारे पैसे भी मिलते थे, साथ ही काफी सारे ब्रांड प्रमोशंस भी। और अब इन्हीं सब के बारे में जियोंग एक दिन अपने हॉस्पिटल में बैठकर सोच रहा था, जहाँ उसे काफी अमीर लेडी मिलने आती है, जो कि उससे अपने जॉलाइन की सर्जरी करवाना चाहती थी। वो लेडी वैसे तो जियोंग को भी काफी अजीब लग रही थी, लेकिन उस लेडी से उसके पास काफी सारे पैसे आ सकते थे, इसलिए जियोंग उसका ऑपरेशन करने के लिए मान जाता है। फिर जब ये औरत यहाँ से जाने लगती है तो ऊपर से जियोंग उसकी तरफ देखता है और उसे पता चल जाता है कि औरत काफी सारी गाड़ियों के साथ यहाँ पर आई थी। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो कि वापस से न्यूल के पास आकर उसको अपना एक काम करने के लिए देता है। न्यूल वैसे तो उसका काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो किम से काफी ज्यादा डरती थी। तभी यहाँ पर उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि किम के फादर इस हॉस्पिटल के ओनर हैं, इसलिए वो अपनी मनमानी करता है, साथ ही वो जिससे जो चाहे वो काम करवा सकता था। यहाँ से भी अब वो न्यूल को काम देकर चला जाता है, लेकिन न्यूल के पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए वो अपना पेट पकड़ कर ही बैठ जाती है। दूसरी तरफ जियोंग उस लेडी की ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा था और अब ऑपरेशन चालू हो जाता है। इधर न्यूल भी अपना काम कर रही थी, जहाँ वो अपनी दोस्त को वापस से पेट दर्द के बारे में बताती है। फिर जब वो यहाँ से जाने लगती है तभी उसको एक लड़की का कॉल आता है, जो कि उसकी एक और दोस्त थी, जिससे बात करते हुए उसको बताती है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। जो सुनकर ये लड़की भी न्यूल की तरफ से इसे बढ़ने लग जाती है और अब कहानी वहीं पर आ जाती है जहाँ से शुरुआत हुई थी। मतलब न्यूल इसी दिन ही रोड क्रॉस करते हुए बीच सड़क में बैठ जाती है और उसे एक ट्रक टकराने वाला था, जो कि उसकी दोस्त भी दूर से देख रही थी। पर ट्रक वाला सही समय पर अपने ट्रक को रोक लेता है और न्यूल की जान बच जाती है, पर अभी के टाइम पर वो बेहोश हो गई थी, इसीलिए उसकी दोस्त तुरंत भागते हुए उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जियोंग जो कि उस औरत को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैवी ब्लड लॉस की वजह से वो उसको नहीं बचा पाता, और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जहाँ से हम जियोंग को सीधा पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं। यहाँ उसके ऊपर केस हो गया था और उससे पूछताछ हो रही थी कि आखिर वो औरत कैसे मरी, जिस पर जियोंग बताता है कि उसकी ब्लड वेसल में अचानक से ब्लड का फ्लो काफी बढ़ गया था और उसी के चलते उसकी मौत हो गई। अब अभी के लिए तो जियोंग को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में हर तरफ न्यूज फैल गई थी कि उसने जानबूझकर उस औरत की जान ले ली।
पर जोंग सब कुछ प्रूफ करने के लिए हॉस्पिटल के सर्वर रूम में जाता है, जहाँ से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाल कर सभी को दिखा सकता था कि ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था। लेकिन वहाँ जाने से अचानक से उसका सर्वर क्रैश हो गया था और सारा डेटा डिलीट हो जाता है, जिसे जोंग को आइडिया तो लग गया था कि कोई जानबूझकर और प्लानिंग के साथ उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के टाइम पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन अब कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है, जहाँ जाने पर उसको वो आदमी मिलता है जो कि उस औरत का सपोर्टर था जिसकी मौत हुई। यहाँ वो जोंग को धमकी देते हैं। दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर ये सब टीवी पर देख रहा था, जो कि रिपोर्ट्स और पुलिस डिपार्टमेंट पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उन्होंने जोंग को कोई भी टाइम नहीं दिया था और साथ ही उसके ऊपर जबरदस्ती के इल्जाम लगाए जा रहे थे। कोर्ट के अंदर जोंग बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वहाँ पर ओपोनेंट का वकील आकर उस पर इल्जाम लगाने लग जाता है कि उसने जानबूझकर उस लेडी को मारा है। साथ ही वो यहाँ पर एक दवाई की शीशी भी दिखाता है जिसका नाम हेपरिन था और उसे यूज करना किसी भी सर्जरी में इलीगल था। तब जोंग सभी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने इस दवाई का यूज नहीं करा, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि हेपरिन की शीशी पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे, जो देखकर जोंग चिल्लाने लग जाता है। पर फिर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता और सभी लोग उसको गलत समझने लग जाते हैं, जिस वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और उसके हॉस्पिटल में भी जिसने इन्वेस्ट किया था सभी लोग उससे पैसे वापस मांगते हैं, जो सब जोंग को काफी ज्यादा परेशान कर देता है क्योंकि आज से एक दिन पहले तक उसके पास सब कुछ था, पर अभी अचानक से सब कुछ चेंज हो गया था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रात में फिर जब वो अपने दोस्तों के पास जाता है तो वहाँ पर उसकी उनसे भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि जोंग ने जानबूझकर उस औरत को मारा है, और अब जब सब कुछ साबित हो गया तो वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो लोग उसको मारते भी हैं, जिस वजह से जोंग भी उन्हें मारता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ एक लेक के किनारे उसका सेक्रेटरी उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिससे इसे पता चलता है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। साथ ही उसके ऊपर अब एक बहुत ही बड़ा कर्ज था, जो जानने के बाद जोंग और ज्यादा दुखी हो गया था। तभी उसका सेक्रेटरी उसको समझाने की कोशिश करता है कि अभी उसको स्ट्रॉन्ग रहना होगा, ये बोलकर चला जाता है। अगले दिन हम न्यूल को देखते हैं, जो जब अपने घर पहुंचती है तो उसके अंकल ताया उसको खुद का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि चेकअप कराने पर उसको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम निकली थी, और उनकी इस बात पर वो भी हाँ में सर हिलाती है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि वापस उसके साथ काफी कुछ होता है, किम उसको फिर से डांटता है, साथ ही ऑफिस में भी पार्टी के दौरान भी सब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे पर वो किसी से कुछ नहीं बोलती। फिर जब वो रात में घर वापस जा रही थी तभी रोड क्रॉस करते वक्त उसके सामने वही सारे विजन्स आने लग जाते हैं जो कि उसके साथ दो दिन पहले हुए थे, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती, जिस वजह से उसको अब एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है जो कि उसे कुछ टेस्ट कराने के बाद उसको बताते हैं कि डिप्रेशन में है। ये जानकर वो और ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो और ज्यादा परेशान होकर वहां से घर में जाती है। पर घर पर भी उसकी मॉम उसके भाई पर चिल्ला रही थी, इसलिए वो थोड़ी शांत जगह बैठने के लिए छत पर चली जाती है, लेकिन वहां पर भी एक इंसान बैठा हुआ था। अब जैसे ही वो पलटता है तो वो जोंग था, जो कि खुद भी पैसों की कमी के चलते यहाँ पर रहने के लिए आ गया था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे की लाइफ में आए भी इस टाइम पर हैं, जब इन दोनों का ही सबसे बुरा टाइम चल रहा है। जोंग भी उसे देखकर सोचने लग जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं एक टाइम पर सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन अब ये वो लड़की है जिसे मैं अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। जानियोल सैड मन से सोच रही थी कि जब भी हमारे लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया है और हमारे पास कोई भी हमें संभालने के लिए नहीं होता, तब भगवान किसी न किसी रूप में हमें ऐसे पर्सन से मिलवा देते हैं जिससे हमारा ध्यान प्रॉब्लम से हटकर वापस से फोकस्ड हो जाए। इस बीच हम जोंग को भी देखते हैं, जिसके ट्रायल के बाद वो बुसान में शिफ्ट हो गया था, जो कि सोल से काफी ज्यादा सस्ता था। यहाँ वो नियोल की घर पर ही रेंट पर रहने के लिए आ जाता है, जो कि उसे नहीं पता था कि ये उसका घर है। आगे जब वो अपने रूम में जाता है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जिसे उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम ने उसका हाल चाल जानने के लिए कॉल करा होगा। लेकिन उनकी बातें के दौरान हम जान पाते हैं कि उसकी मॉम को जोंग की कोई भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो उसे जल्द से जल्द ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए बोलती है क्योंकि उसके फादर को एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिलने वाला था। पर जोंग के ऊपर चल रहे ट्रायल की वजह से एसोसिएशन ने अपना माइंड चेंज कर लिया और अब उसके फादर को अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। ये सब जानने के बाद जोंग को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और वो छत पर जाकर रोने लगता है। इतने में वहां पर नियोल भी आ जाती है, जिसे जब ये पता चला कि उसको डिप्रेशन है तो वो काफी ज्यादा परेशान थी। प्रेजेंट में जैसे ही दोनों एक दूसरे को छत पर देखते हैं तो काफी शॉक हो जाते हैं, और नियोल को यहाँ पर लगता है कि जोंग उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आया होगा, और जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों इस घर के अंदर रहने वाले हैं तो उनका मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। दोनों ही चाहते थे कि इनमें से कोई भी यहाँ से चला जाए, पर क्योंकि ये घर नियोल का था इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकती थी,
तो जोंग नीचे जाकर मिन को कॉल करता है जिसने ही उसको यहाँ पर घर दिलवाया था। वही न्यूल भी सोल के पास जाकर उसे बात करने लग जाती है कि उसने किसके कहने पर जोंग को यहाँ पर आने के लिए बोला। असल में मिन और सोल एक दूसरे को जानते थे और जब जोंग को नीड थी तो मिन ने उसकी हेल्प करने के लिए सोल से बात करी थी ताकि वो उसके दोस्त जोंग के लिए एक रूम ढूंढ सके। तभी सोल ने उसे न्यूल का घर रेफर करा था। ये सब जानने के बाद न्यूल का दिमाग खराब हो जाता है और वही हम जोंग को देखते हैं जो कि मिन से इस घर को चेंज करने की रिक्वेस्ट करते हुए उसको बताने लग जाता है कि न्यूल उसकी एक एनिमी है, जिसकी बात उसे समझ में आ जाता है कि इनके बीच जरूर पास्ट में कुछ न कुछ लोचा तो हुआ होगा। चैन के स्कूल टाइम पर हम न्यूल को देखते हैं जो कि ड्राई कॉफी खाती है और अपनी पढ़ाई करने के काम पर लग जाती है। ऐसा करते हुए उसको जोंग और उसके दोस्त देख रहे थे तो वो उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि जल्दी इनकी मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले थे और अब सबको लगने लग गया था कि न्यूल ही फर्स्ट आएगी। खुद जोंग भी इस बात से घबराया हुआ था लेकिन वो किसी भी हालत में न्यूल को खुद से आगे निकलता हुआ नहीं देख सकता था। वो डिसाइड करता है कि वो ज्यादा मेहनत करेगा पर फिर भी उसकी नर्वसनेस उसका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों ने न्यूल और जोंग के नाम पर बेट तक लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ से फिर हम सीधे एग्जाम्स के बाद का सीन देखते हैं। जब उनका रिजल्ट आता है तो जोंग को लगता है कि वो हर बार की तरह पक्का फर्स्ट आया होगा, लेकिन जब वो रिजल्ट देखता है तो बेहोश हो जाता है क्योंकि असल में न्यूल फर्स्ट आई थी और ये चीज जोंग को काफी ज्यादा इरिटेट कर देती है, जिस वजह से जोंग के दोस्त उसे फटाफट से मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ से जब वो वापस आता है तो पूरे स्कूल में रिजल्ट को देखकर बेहोश होने वाली बात ही चल रही थी। ये सब जानने के बाद जोंग डिसाइड करता है कि अब वो न्यूल से कभी भी नहीं हारेगा। यहाँ से सिर्फ न्यूल पर आता है जो कि जब भागती हुई क्लास में जा रही थी, तभी जोंग यहाँ पर उसे आगे रहने के लिए इस बार थ्री व्हील स्कूटर का यूज करता है और उसे चढ़ाता हुआ आगे निकल जाता है। साथ ही क्लास के दौरान जब न्यूल एक पैकेट ड्राई कॉफी खाती है तो जोंग दो पैकेट खाता है, जो देखकर न्यूल को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इन दोनों के बीच में कंपटीशन अब बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। जब क्लास में इन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो दोनों ही जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही जोंग उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता है तो इतना ज्यादा खुश होता है जैसे उसने दुनिया ही जीत ली हो। फिर वो न्यूल को चुढ़ाने के लिए स्माइल करता हुआ स्लो मोशन में उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता है और यहाँ से हंसता हुआ जाने लगता है, जो देखकर न्यूल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम न्यूल और सोल को साथ में बियर पीता हुआ देखते हैं। न्यूल उसे स्कूल टाइम की यही सभी बातें बता रही थी। तभी सोल को भी लगने लग जाता है कि अगर ये दोनों अभी के टाइम पर एक दूसरे से इतना चिढ़ते हैं तो पास में इनके बीच जरूर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, पर न्यूल इस बात के साफ साफ इनकार कर देती है। वहीं जोंग जो कि यहाँ से निकलना चाहता था वो अपना रेंट एग्रीमेंट देखने लग जाता है। साथ ही उसने यहाँ पर पैसे भी डिपॉजिट करवा दिए थे और अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो ये घर खाली नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसको अमाउंट रिफंड नहीं होगा, जो जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसलिए वो रात में न्यूल के पास जाता है ताकि वो उससे बोलकर अपना रिफंड वापस ले सके। लेकिन अब न्यूल को उसके यहाँ पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो उसे यहाँ पर रहने की परमिशन भी दे देती है। फिर बातों बातों में जोंग उसे अपने कर्ज के बारे में बता देता है जो कि 3.7 बिलियन वॉन का था। ये जानकर न्यूल को समझ आ जाता है कि आखिर ये अमीरजादा इतनी सस्ती जगह पर रहने के लिए क्यों आए हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जोंग की मुलाकात ताई से होती है, जिन्हें लग रहा था कि वो न्यूल को परेशान कर रहा है, इसलिए वो अपने साथ एक डैगर लेकर आए थे, जिसे देखकर जोंग उन्हें सब कुछ समझाता है और उनके वहाँ से जाने के बाद उन्हें बुरा भला कहने लगता है। इतने में वहाँ पर न्यूल का भाई यून आ जाता है, जिससे मिलकर जोंग वहाँ से अपने रूम में जाने लगता है और हम किसी इंसान को उसके पीछे जाता हुआ देख पाते हैं। रूम के अंदर जोंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी वो बाहर किसी को नोटिस करता है और उसके पीछे टेरिस पर जाता है, जहाँ जाने पर उसको कोई भी नहीं मिलता। तभी उसे उसकी सर्जरी के विजन्स आने लग जाते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। पर तभी उसकी आंखें बेड पर खुलती हैं और उसको पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। इसलिए वो अगली सुबह वॉक पर जाता है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जब वहाँ से वापस आता है तो न्यूल जा रही थी, तो वो उसे जाते हुए देखने लग जाता है और उसके जाते ही फनी वे में उसकी एक्टिंग करते हुए ऊपर चला जाता है। आगे हम वांग को देखते हैं, जिसे अब जोंग के चले जाने से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपनी क्लिनिक को आगे भी नहीं बढ़ा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही जोंग वापस आएगा और फिर से वो दोनों एक बार साथ में काम शुरू करेंगे। सीन अब यहाँ से जोंग पर आता है, जो कि एक दूसरी जगह पर घर देखने के लिए आया हुआ था, पर वहाँ पर लैंडलेडी उसे पहचान जाती है कि उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है और वो उसे सोचने के लिए 2 दिन का टाइम मांगती है। तभी जोंग को मिन का कॉल आता है, जो कि न्यूल के हॉस्पिटल में ही डॉक्टर था। मिन वहाँ पर उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि जोंग को निर्दोष साबित किया जा सकता है और असल में उन्हें एक आदमी पर शक है, जो कि सर्जरी के कुछ समय पहले ही हॉस्पिटल में आया था और उसके सामने इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी वो नॉर्मल था।
जॉन को भी अब उस आदमी के बारे में याद आने लग जाता है जिसको उसने खुद ही अपने क्लिनिक पर रखा था, और साथ ही उसने उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया था क्योंकि उसने जॉन से बोला था कि वो उसके साथ काम करना चाहता है, साथ ही वो हमेशा से एक फिक्स सैलरी पर ही काम करेगा और कभी भी सैलरी बढ़ाने को नहीं बोलेगा। जिस सबकी वजह से जॉन आज फंस चुका था, ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसे ढूंढेंगे। तभी जॉन की नज़र न्यूल पर पड़ती है जिसे देखकर वो उसके पास बात करने के लिए चला जाता है। चाहे दोनों अपनी बात उसे शो करने की कोशिश करने लगते हैं कि वो दोनों बेस्ट हैं, पर आखिर में न्यूल वापस ही जीत जाती है और जॉन बच्चों की तरह एक्ट करते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में न्यूल को किम वापस से आज डांट रहा था, इस बार वो उस पर पेपर्स फेंकता है जिससे न्यूल की आंख के पास कट लग जाता है। फिर वो न्यूल के पास आकर उसे लात भी मारता है जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इतने में वहाँ पर एक डॉक्टर आती है जो उन्हें बताती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी का केस आया है, हम लोगों को उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और वो चेयरमैन की बेटी है। जो सुनने के बाद किम डरने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो किम को इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो न्यूल को साथ में चलने के लिए कहता है। सर्जरी के दौरान हम देख पाते हैं कि किम चेयरमैन की बेटी को सामने देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था जिससे वो नीडल को उसके हाथ में भी नहीं लगा पाता और उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। ये देखकर न्यूल खुद ही उस नीडल को लगाने लग जाती है और अब सर्जरी सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाती है। लेकिन जब न्यूल यहाँ से निकल रही थी तभी उसके चेस्ट के ऊपर वाले पोर्शन में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जिसके बारे में जब वो अपने अगले सेशन में साइकेट्रिस्ट को बताती है तो जवाब में उसको साइकेट्रिस्ट बताते हैं कि ये सभी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, इसीलिए अब कुछ दिनों के लिए उसको छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। पर न्यूल को अभी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसको डिप्रेशन हो गया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से निकल जाती है। तभी उसको कॉल आता है कि चेयरमैन ने सभी को बुलाया है और किम को भी डांट पड़ रही थी, जो जाने के बाद न्यूल भागती हुई पहुंच जाती है। जहाँ जाने पर उसको पता चलता है कि चेयरमैन सब पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि किम के हाथ कांपने की वजह से उसने उसकी बेटी के हाथ में नीडल्स को कई जगह पर चुबो दिया था जिससे वहां पर निशान बन गए थे। पर न्यूल के आते ही किम सब कुछ उसके ऊपर डाल देता है, इसलिए अब न्यूल को झुककर उसके सामने माफी मांगनी पड़ती है और ये सारी चीजें उसकी नजरों में उसको और गिरा रही थी। आगे जब किम उसको बाकी बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने भी अपनी गलती मानने के लिए बोल रहा था तो इस बार न्यूल उस पर गुस्सा करने लग जाती है, जो देखकर किम उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम नॉर्मल पर्सन हो और अगर तुम मेरी जगह माफी मांग लोगी तो मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं होगा और मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, पर अगर मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया तो मुझे कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। पर न्यूल जिसने सोच लिया था कि अब वो उसको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देगी, वो उसको हिट करके गिरा देती है और बोलती है कि तुम्हें अपनी गलतियां खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस पर किम उसको धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो वो उसको हॉस्पिटल से निकाल देगा और फिर वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। पर न्यूल के लिए अब उसकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो खुद ही अपना कोट उतार देती है और साथ ही अपना आई कार्ड भी पटक कर फुल टेंशन में वहां से निकल जाती है। अब ये बात पूरे हॉस्पिटल में धीरे धीरे फैल गई थी कि न्यूल ने किम को मारा था और उसके बाद वो यहाँ से चली गई, जिस बात से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। जब ये बात सियोल को पता चलती है तो वो भागती हुई न्यूल से मिलने के लिए जाने लगती है। वही हम वोंग को देखते हैं जो कि ताई के साथ रेस्टोरेंट में काम करते हुए वापस से अपनी बेटी की तारीफ कर रही थी, इसी उम्मीद में कि अब वो जल्दी ही प्रोफेसर बन जाएगी और सबको सिखाया भी करेगी। लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो न्यूल और उसकी दोस्त की बात सुन लेती है जिससे उन्हें पता चलता है कि न्यूल ने किम को मारा और अपनी जॉब भी छोड़ दी। तभी न्यूल की नज़र भी उन पर पड़ जाती है, जो देखकर वो तुरंत ही वोंग के पास जाती है, लेकिन वोंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि उन्होंने भी उसके लिए काफी सारे सपने सजाए हुए थे लेकिन अब वो पूरे नहीं होने वाले थे। वो चाहती थी कि न्यूल किम से माफी मांग ले, जिस पर न्यूल साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ वहां पर काम करके खराब हो रही थी। साथ ही वहां पर उसको 17 घंटे काम करना पड़ता था, पर फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी और उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। पर अभी भी वोंग उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं थी और उल्टा उसी को समझाने लग जाती है कि तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। तब हम बाहर जियोंग को देखते हैं जो कि नीचे आ रहा था, तभी वो वोंग और न्यूल की बातें सुनने लग जाता है। साथ ही उसी समय रोते हुए न्यूल वोंग को बता देती है कि वो वहां पर काम करते करते डिप्रेशन में चली गई, पर वोंग को ये बहानेबाजी लगती है इसलिए वो उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जिससे नाराज होकर न्यूल भी रोती हुई यहाँ से चली जाती है। अब जाकर यहाँ पर जियोंग को रिग्रेट होने लग जाता है क्योंकि उसे लगता था कि न्यूल की लाइफ काफी बढ़िया चल रही है और उसने ये चीज बार बार न्यूल को बोली भी थी। रात में हम देखते हैं कि न्यूल अब तक वापस नहीं आई थी, इसलिए ताई बहुत ज्यादा परेशान था, साथ ही न्यूल किसी का फोन भी नहीं उठा रही थी। तभी वहां पर यून आता है जिसको न्यूल की रूम में कुछ दवाइयां मिली थी जिनके नाम को वो इंटरनेट पर सर्च करता है ताकि वो उन दवाइयों के बारे में पता कर सके। वहीं बाहर हम जियोंग को देखते हैं जो कि खुद भी न्यूल का वेट कर रहा था। फिर जब उसको न्यूल दिखती है तो वो उसके पास जाता है और आज वो उसे काफी अच्छे से बात करता है,
पर नीलू से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। तो वो उसे बोलता है कि अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो वो साथ में ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। अब नील पहले उसे नहीं मानती पर बाद में मान जाती है। फिर जोंग उसे अपनी जैकेट दे देता है क्योंकि अभी तक उसने नर्स के कपड़े ही पहने हुए थे। इसके बाद ये दोनों साथ में बातें करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जोंग के बहुत सारे दोस्त पहले से मौजूद थे, इसलिए जोंग यहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन तब उनमें से एक दोस्त उसको रोकता है और उनके साथ बैठकर बातें करने के लिए बोलता है। वैसे जोंग ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन सभी की जिद करने पर वो बैठ जाता है। पर वहाँ पर सभी लोग इसको वापस से बुरा भला कहने लग जाते हैं, जैसे इन्होंने उसको पहले बोला था। ये सुनकर जोंग को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है, जो देखकर न्यूल भी समझ जाती है कि जोंग की कोई गलती नहीं है। फिर भी सभी लोग उसको कितना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए वो पूरे रास्ते जोंग से कुछ नहीं कहती है और उसके पीछे पीछे चलती रहती है। तभी अचानक से जोंग पीछे पलटता है और उसे गुस्से में पूछता है कि ये पीछे पीछे क्यों चल रही है। तब नील उसे याद दिलाती है कि अब उनका घर सामने है, तो जोंग का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो नील को अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ ड्रिंक करते हुए लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। और इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि न्यूल को जियोंग के ऊपर पूरा भरोसा है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं करा है। ये सुनकर जियोंग रोने लग जाता है क्योंकि उसकी माँ तक को उस पर भरोसा नहीं था, पर न्यूल को था। जो सुनकर न्यूल उसे शांत होने के लिए बोलती है, तो जोंग भी उसे बता देता है कि आज उसने वोंग और उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसको भी न्यूल पर भरोसा है कि उसने जो करा सही करा। ऐसे अपनी हेल्थ खराब करने से अच्छा है कि उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया, जो सुनकर न्यूल को भी अच्छा लगता है। ये दोनों अब नशे में एक दूसरे से हंसी मजाक करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ न्योल के घर में वोंग को पता चल गया था कि वो गोलियां सच में डिप्रेशन की थी, इसलिए वो रोने लग जाती है क्योंकि अब उसको लग रहा था कि वो न्योल का सही से ध्यान नहीं रख पाई, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। और अगर वो उसका अच्छे से ध्यान रखती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो खुद को एक बुरी मोह मानने लगी थी। वही न्योल और जोंग जब घर पर वापस आ रहे थे तो नशे में न्यूल उसे अपना घर खाली करने के लिए बोल देती है, पर इस चीज़ के लिए वो साफ साफ मना कर देता है। और यह इनमें बैठ लग जाती है कि जो सामने वाले को ज़्यादा जोर से फ्लिक करेगा वो सामने वाले की बात मानेगा। तब न्यूल पहले फ्लिक करती है जिससे जोंग नीचे गिर जाता है, पर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और न्यूल को फ्लिक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले ही न्यूल को वोंग का मैसेज आता है जिसमें उन्होंने सॉरी मांगा था। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उनको उसकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था और अब उसका जो भी डिसीजन होगा वो उसमें उसका साथ देगी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी हेल्दी और खुश रहने वाली चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद न्यूल इमोशनल होकर जोर जोर से रोने लग जाती है और जोंग भी उसको फ्लिक नहीं कर पाता। वो न्यूल से पूछने लग जाता है कि वो रो क्यों रही है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो उसे चुप नहीं करवा पाता तो वो खुद भी रोने लग जाता है और दोनों एक दूसरे को हग करके साथ में रोने लगते हैं। फिर ये दोनों ही हमें नरेशन से बताते हैं कि वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, पर आज मुझे उसकी बाहों में बहुत ही सुकून मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको खुद से दूर नहीं करा। शायद किसी ने सही बोला है कि हम सुकून के लिए हर जगह तलाश लेते हैं, लेकिन वो हमारे पास ही होता है। और इसी नरेशन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में जोंग हमें बताता है कि आखिर वो न्यूल से क्यों इतना हेट करने लगा था। फिर वो हमें फ्लैशबैक में ले जाके अपनी स्टोरी बताता है कि वो अपने सिर्फ स्कूल का ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट और सिटी का भी टॉपर था। वो सभी लोगों के नोट्स वगैरह शेयर करके बहुत ज़्यादा मदद करता था, जिस वजह से सभी लोग भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसका हमेशा साथ देते थे। लेकिन ये सब सिर्फ तब तक था जब तक न्यूल क्लासरूम में नहीं आई थी। उसके आने के बाद पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा जब वो पहली बार स्कूल में सेकंड आया। उसके बाद से वो न्यूल से आगे निकलने के लिए उसकी जैसी हरकतें करना चालू कर देता है। जब न्यूल एक कॉफी का पैकेट खाती है तो वो दो खा रहा था। लंच के वक्त भी जब न्यूल टाइम बचाने के लिए बनाना खा रही थी तो जोंग खाना ना खाने का डिसाइड करता है ताकि उसे पढ़ने का और ज्यादा टाइम मिल सके। यहाँ तक कि न्यूल से आगे निकलने के चक्कर में उसने अपनी नींद भी पूरी तरीके से सैक्रिफाइस कर दी थी, पर तब भी न्यूल ही उससे आगे रहती थी। पर ये सब भी काफी नहीं था। एक दिन जब न्यूल लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही थी तब जोंग काफी ज्यादा थक गया था और उठकर जाने लगता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी हालत चलने लायक भी नहीं थी। लेकिन जैसे वो देखता है कि न्यूल अभी तक पढ़ाई कर रही है तो वहाँ भी वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाता है और उसको घूर घूर कर ऐसे इशारे करता है जिससे न्यूल डर जाती है, जो कि काफी फनी था। एक दिन क्लास के दौरान हम देखते हैं कि न्यूल तो एकदम सही से पढ़ रही थी, लेकिन उसको फॉलो करने के चक्कर में जिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसको काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए थे। क्लास खत्म होने पर वो उठकर जाने लगता है पर उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तभी न्यूल क्लासरूम में बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही जंग भी कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर गया था, पर गिरते गिरते भी यही सोच रहा था कि बेहोश होने में भी मैं सेकंड आया हूँ। इन दोनों को अब स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ इन दोनों की आंखें सेम टाइम पर खुलती है। जोंग उसे देखकर यहाँ पर उसका हालचाल पूछता है, लेकिन
सामने वालों से कुछ भी नहीं बोलती और तुरंत अपने नोट्स निकाल कर पढ़ने लग जाती है। जैसे इस हालत में भी पढ़ता हुआ देखकर जियोंग का तो दिमाग ही हिल गया था, इसीलिए वो दूसरी तरफ फेस करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब तक न्यूल यहाँ से जा चुकी थी। तभी वहाँ पर उनके टीचर आते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि अब उसे कैसा लग रहा है, तो बता देता है कि वो अभी ठीक है। वो यहाँ पर उनसे न्यूल के बारे में पूछता है तो बताते हैं कि वो क्लास अटेंड करने के लिए गई है, जो सुनकर वो भी उसे कम्पीट करने के लिए वापस से क्लास लेने के लिए जाने लगता है और सोचता है कि ये कितनी खड़ूस लड़की है, इसने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। सेन अभी यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम जियोंग और न्यूल को एक दूसरे के साथ रोता हुआ देखते हैं। पर अगले दिन जब जियोंग को उठने के बाद ये सब कुछ याद आता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप कपड़े पहनकर बाहर की तरफ जा रहा था। जो हम देखते हैं कि न्यूल भी बाहर की तरफ से आ रही थी, जो कि खुद भी पिछली रात की वजह से काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसलिए वो जियोंग से बचने के लिए एक ट्रक के पीछे छुप जाती है। लेकिन वो ट्रक वाला ही वहां से अपना ट्रक लेकर चला जाता है, जिससे अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। अब पहले तो दोनों काफी ऑकवर्ड होते हैं पर फिर दोनों एक दूसरे को समझाने लग जाते हैं कि वो दोनों ही दुखी थे, इसलिए कल जो कुछ भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ, तो उन्हें इस तरीके से ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए। ये बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। न्यूल अब जैसे ही अपने घर में पहुंचती है तो वोंग उसे काफी अच्छे से बात कर रही थी, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि न्यूल डिप्रेशन से बाहर आ जाए, पर इसके चक्कर में वो न्यूल को बार बार बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करवाने लग जाती है। कभी उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है तो कभी उसके सामने पार्टी बॉम्ब्स फोड़ती है ताकि वो एक्साइटेड फील कर सके और उसे स्ट्रांग रहने के लिए बोलती है। जिस सब में ताई और यूनी भी उसके साथ थे, जो कि उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते हैं, पर ये सब देखकर बेचारे न्यूल का दिमाग ही चकरा जाता है। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं जो कि मिन के साथ अपने क्लिनिक में आया हुआ था। यहाँ वो अपने कुछ साथियों से अपने बेगुनाह होने के बारे में बात करता है। जान की बातों से हम जान पाते हैं कि हेबरन की बॉटल जियोंग की नहीं है। इस बारे में उनको कोई भी सबूत नहीं मिले, लेकिन नेक्स्ट ट्रायल के लिए इन्होंने एज अ विटनेस डॉक्टर कांग को बुलाया है, क्योंकि वो जियोंग के साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं, इसलिए वो इस बात को जानते हैं कि जियोंग सर्जरी के दौरान क्या यूज कर सकता है, जिस चीज पर जियोंग भी हाँ बोलता है और यहाँ से मिन के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हम जियोंग के रूम में किसी को जाता हुआ देखते हैं जो कि विंडो तोड़कर अंदर घुस जाता है। नीचे वोंग यून के हाथ कुछ ब्लैंकेट जियोंग के लिए भिजवा रही थी ताकि वो नहीं यूज कर सके, लेकिन जैसे वो ऊपर पहुंचता है जहाँ जाकर वो देखता है कि विंडो टूटी हुई है, तो रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतने में जियोंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर यून उसे सब कुछ बता देता है कि जब वो यहाँ पर आया तो पहले से दरवाजा खुला हुआ था और विंडो टूटी हुई थी, इसीलिए लोग पुलिस को बुलाते हैं। जहाँ जियोंग ने बताता है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस बोलती है कि वो लोग आसपास के सीसीटीवी चेक करके उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं और अब क्योंकि जियोंग की विंडो टूट गई थी, इसलिए वोंग उसे अपने घर में सोने को ऑफर करती है, लेकिन जियोंग मना कर देता है और अपने रूम में जाकर टूटे हुए कांच को साफ करने लगता है, पर तभी छोटा टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है। इतने में वहाँ पर न्यूल आती है जो कि उसे वापस से उसके घर में ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि अभी ठंड भी काफी ज्यादा हो रही थी और टूटी हुई खिड़की से हवा अंदर आएगी, पर जियोंग मना करता है और बोलता है कि वो मिन के घर चला जाएगा। इस पर वो बताती है कि आज रात वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, ये सुनकर जियोंग शांत हो जाता है। यहाँ पर वो और भी बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूल हर बार कुछ ना कुछ बोलकर उसे शांत करवा देती है। साथ ही उसे बोलती है कि आपके टाइम पर तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बस अपने ट्रायल की तरफ ध्यान देना चाहिए, मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुनकर जियोंग को काफी अच्छा फील होता है कि चलो कोई तो है जो कि उसकी साइड ले रहा है, इसलिए वो भी उसके घर में जाने के लिए मान जाता है, जहाँ पर सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे। तो वोंग ये जानकर काफी खुश होती है कि वो दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे, क्योंकि न्यूल ने आज तक हाई स्कूल में किसी से भी दोस्ती नहीं की थी। इस पर न्यूल बताती है कि वो दोनों बस क्लासमेट्स थे, ना कि दोस्त, और साथ ही पढ़ाई के चक्कर में उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो दोस्त बना सके। यहाँ तक कि उसके कैरियर के जाना और गेम्स खेलने का भी बहुत ज्यादा मन था, लेकिन वो पढ़ाई के चक्कर में उसने कुछ भी नहीं किया। जियोंग भी यहाँ पर बोल देता है कि वो टाइम बचाने के चक्कर में ड्राइंग कॉफी खाती थी और हम लोगों ने तुम्हें दोस्त बनाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी। जो सब सुनकर वोंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि न्यूल ने कितनी ज्यादा हार्ड लाइफ जी है, पर सभी लोग उसे मिलकर शांत करवाते हैं। खाना खाने के बाद न्यूल जियोंग को पिलो वगैरह देने के लिए आती है ताकि वो आराम से सो सके। तभी जियोंग उसे आज के लिए थैंक्स बोलता है और उसे साथ चलकर आइसक्रीम खाने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो न्यूल मना कर देती है, पर जब न्यूल बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मोम उसे डिप्रेशन से निकालने के चक्कर में कुछ अजीब करने वाली थी, इसलिए वो तुरंत ही जियोंग के साथ बाहर चलने के लिए मान जाती है। जहाँ पर ये दोनों आइसक्रीम खाते हुए चांद को देखने लग जाते हैं और हाई स्कूल के टाइम को याद करते हैं। तभी न्यूल पास में से एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखती है, जिसे देखकर वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसने पढ़ाई की थी लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन आज वो अनएम्प्लॉयड और कुछ भी नहीं कर सकती। पर जियोंग उसका मूड सही करने के लिए उसे स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए लेकर जाता है, जो कि उसने आज तक नहीं खाया था।
पहले तो जियोंग मना करने लगती है कि उसे बुक नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर तो बुक की ट्राई करती है तो वो उसे इतने ज़्यादा पसंद आता है कि वो पूरा खा जाती है, जिसे इस तरह देखकर जियोंग को भी अच्छा लगता है। वो उसे समझाता है कि तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए अनएम्प्लॉयड हो, इसलिए तुम्हें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो कि तुम हमेशा से करना चाहती थी। फिर वो यहाँ से उसे आर्केड में लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। जहाँ पर एक गेम के दौरान सिंगिंग करते वक्त नियुल को कोई भी केपॉप सॉन्ग नहीं आता था क्योंकि उसने आज तक सॉन्ग सुने ही नहीं थे। जो देखकर जियोंग उसे सॉन्ग सुनने के लिए बोलते हैं और फिर वो उसे डांस कराने के लिए लेकर जाता है, जिसमें दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। अब वापस से घर आते वक्त नियुल उसे काफी अच्छे से बात कर रही थी, जहाँ पर जियोंग उसे एक बार फिर से समझाता है कि अभी हम दोनों अपनी लाइफ की एकदम लोएस्ट पॉइंट पर हैं, तो हमें कुछ वक्त वहीं पर ठहरना चाहिए। जिसकी ये बात सुनकर नियुल को काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि कोई उसे समझ पा रहा है। जब ये उसके घर में सभी लोग उसे स्ट्रांग बनकर जल्दी से रिकवर करने के लिए बोल रहे थे और कोई भी उसे ठीक से नहीं समझ पा रहा था। घर पहुंचकर जियोंग भी नियुल के बारे में सोच रहा था और उसे वो मोमेंट याद आता है जब नियुल ने ड्रंक होकर उसे कहा था कि वो किसी को भी नहीं मार सकता क्योंकि वो एकदम बच्चों जैसा है, और जो नियुल उसे पहले दुश्मन लगती थी अब वो उसे क्यूट लगने लगी थी। पर तभी वो अचानक से अपने सर को झटकता है और सोचने लग जाता है कि आखिर ये मुझे हो क्या गया है, मैं नियुल को क्यूट क्यों समझ रहा हूँ। वो फटाफट से चुपचाप जाकर सो जाता है ताकि उसे ऐसे थॉट्स फिर से ना आए। इधर हम नियुल को देखते हैं, वो भी जियोंग के बारे में सोच रही थी और बोलती है कि जब जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है तब हमें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए, जैसे कि अभी मेरे साथ हो रहा है और जियोंग मुझे काफी अच्छे समझ पा रहा है। इसके बाद वो स्माइल करके सोने के लिए चली जाती है। फिर जब जियोंग सोकर उठता है तो उसके पास नियुल भागती हुई आती है जो कि काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसके फोन में देखकर उसे पता चलता है कि किम ने उसे अब तक के बहुत सारे पैसे काट लिए हैं और उसे कम सैलरी मिलने वाली है, जो देखकर जियोंग को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है। और नियुल भी यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो हॉस्पिटल में जाकर अपनी सैलरी के लिए बात करेगी, पर जियोंग उसे शांति से काम लेने के लिए बोलता है ताकि वो पिछली बार की तरह झगड़ा ना कर ले और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। तभी उन वहाँ पर आकर उन्हें बताता है कि विंडो सही हो गई है, इसलिए जियोंग भी यहाँ से अपने रूम में वापस से ऊपर चला जाता है। पर यून फिर से यहाँ पर यही सोच रहा था कि उसने जियोंग को कहीं पर तो देखा है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा। सेन अब यहाँ से नियुल पर आता है जो कि जब हॉस्पिटल में पहुँचती है तो वहाँ पर उसको उसके साथ के कुछ इंटर्न्स मिलते हैं और उनसे बोलती है कि चलो सैलरी के बारे में मिस्टर किम से जाकर बात करते हैं, पर वो लोग उसे मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम तो अपनी जॉब गंवा ही चुकी हो और हम ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर ना आओ। जो सब कुछ नियुल को भी सही लगता है और वो उदास होकर यहाँ से जाने लगती है। इधर जियोंग को नियुल की टेंशन हो रही थी क्योंकि वो अकेले किम के पास गई थी। यहाँ पर उसकी इविल और एंजल दोनों पर्सनालिटी से एक दूसरे से लड़ाई कर रही होती है। इविल पर्सनालिटी उसे बोलती है कि नियुल के साथ जो कुछ भी हो तू क्यों टेंशन ले रहा है, और जो एंजल पर्सनालिटी होती है वो यहाँ पर नियुल की साइड ले रही थी। तो आखिर में उसकी अच्छी वाली पर्सनालिटी जीत जाती है, जहाँ पर जियोंग कुछ फ्रूट्स ले जाने के बहाने उसके घर में जाने का डिसाइड करता है ताकि वो नियुल के बारे में पता कर सके क्योंकि उसके पास उसका फोन नंबर नहीं था। दूसरी तरफ यून जब घर में टीवी देख रहा था तब उसे जियोंग के ट्रायल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जो वो तुरंत जाकर वोंग का भी बता देता है, जिससे उसके मन में भी जियोंग की बेकार इमेज बन जाती है कि कैसे उसने एक लेडी को सर्जरी के दौरान मार दिया और फिर वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। इसलिए वो नियुल के बारे में फिक्र करने लग जाती है कि वो अब उसे उसको दूर रहने के लिए कहेगी ताकि उसकी वजह से कहीं नियुल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जो सारी बातें जियोंग बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और काफी अपसेट हो जाता है। फिर वो जो फ्रूट्स लेकर आया था उन्हें लेकर छत पर चला जाता है, जिसे इस तरीके से जाता हुआ नियुल भी देख लेती है। वो भी उसके पीछे पीछे छत तक आ जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जियोंग उसे ठीक से बात नहीं करता और उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर नियुल को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से इसे क्या हो गया, कल तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। अब जैसे ही नियुल घर आती है तो वोंग यहाँ पर उसे जियोंग के ट्रायल के बारे में बात करती है और उसे उसे दूर रहने के लिए बोलती है, जो सुनकर नियुल को समझ में आ जाता है कि जियोंग आखिर अपसेट क्यों है क्योंकि उसने उसके घर वालों की बातें सुन ली होंगी, इसलिए वो जियोंग को मैसेज करने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास उसका नंबर ही नहीं है। वहीं जियोंग भी अपने ट्रायल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, तभी उसे एक बुरी खबर मिलती है कि डॉक्टर कांग ने टेस्टिफाई करने से मना कर दिया है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसकी मदद से ही खुद को सही साबित कर सकता था। अब वो खुद ही कांग को कॉल करता है पर वो जानबूझकर उसके फोन को इग्नोर कर रहा था, तो जियोंग तुरंत ही उसे क्लिनिक में जाता है ताकि वो उसे मिल सके। पर वहाँ पर जियोंग की नजरों में आए बिना ही कांग वहाँ से निकल जाता है और रिसेप्शन पर बात करने पर उसे पता चलता है कि कांग ने यहाँ से आज ही रिजाइन कर दिया है, जो जानकर जियोंग और ज्यादा उदास हो जाता है और वो एक जगह पर जाकर ड्रिंक करने लगता है। इधर नियुल भी जियोंग के ट्रायल के बारे में सब कुछ देखने लगती है, जिससे उसको लगता है कि जरूर जियोंग को फंसाया जा रहा है, जो जानने के बाद वो खुद ही इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना चालू कर देती है ताकि वो कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर सके। दूसरी तरफ जियोंग भी ड्रिंक करते हुए नियुल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अब सुबह के टाइम हम देखते हैं कि नियुल अभी तक रिसर्च कर रही थी, तभी उसे एक केस के बारे में पता चल जाता है
जो कि इंडिया में हुआ था, और उसमें भी एक पेशेंट की ठीक उसी तरीके से डेथ हुई थी जैसे कि जियोंग की पेशेंट की हुई है, जो जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जियोंग उदास मन से ट्रायल में पहुंच गया था, जहां पर गलत ना होते हुए भी आज वो गलत साबित होने वाला था। जब सभी लोगों को पता चलता है कि कांग आज टेस्टिफाई करने के लिए नहीं आ रहा, तो दूसरा लॉयर बोलने लग जाता है कि इस सब में जियोंग की ही गलती है, इसीलिए कांग टेस्टिफाई करने के लिए नहीं आ रहा। जज भी अब यहाँ पर अपना फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर न्यूल पहुँच जाती है, जो कि अपने साथ एविडेंसेस की एक फाइल लेकर आई हुई थी, जिससे जियोंग निर्दोष साबित हो सके। जो प्रूफ वो लोग जज के सामने रखते हैं, और उसे यहाँ पर देखकर जियोंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। पर जज यहाँ पर ट्रायल के लिए आगे बढ़ा देता है और बोलता है कि वो फैसला अगली डेट में सुनाएगा, जो देखकर जियोंग चैन की सांस लेता है। अब जैसे वो बाहर जाते हैं, तो सभी रिपोर्टर्स उसे घेर कर उसे सवाल करने लग जाते हैं, जिस सबसे जियोंग भी काफी परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर न्यूल पर पड़ती है, जो कि पास ही में खड़ी होकर उसे देख रही थी, जिसे देखकर जियोंग को अच्छा लगता है। लेकिन तभी कोई पर्सन न्यूल से टकरा जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर जियोंग तुरंत उसके पास जाकर उसे उठाता है। इन्हें इस तरह देखकर सभी रिपोर्टर्स उनके पास आ जाते हैं, पर जियोंग उसे यहाँ से सभी रिपोर्टर्स से दूर ले जाता है। चावो नोटिस करता है कि गिरने की वजह से न्यूल के हाथ में चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ से उसे अपने क्लिनिक में लेकर जाता है, जो कि अब बंद पड़ा हुआ था। जिस जगह को ऐसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है, पर फिर वो जियोंग के हाथ में पट्टी करता है और उसे थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो पूरी रात जागकर उसके लिए एविडेंस ढूंढ कर लेकर आई थी। इस पर वो उसे बोलती है कि जब उसे जॉब से निकाला गया था, तब उसे भी काफी बुरा लगा था, पर उस वक्त जियोंग ने उसे कम्फर्ट किया, इसीलिए वो उसे रीपे कर रही है। वो उसे बताती है कि आज उसे भी सैलरी मिली है, तो क्या करना चाहता है वो उसे बता सकता है, और इस बार वो ट्रीट देगी। तो वो उसे सनराइज दिखाने के लिए बीच पर लेकर जाता है, जिस चीज के लिए न्यूल भी मान जाती है, और ये दोनों ईस्ट साइड के बीच की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद ये दोनों सनराइज होने का वेट कर रहे थे। पर तभी उन्हें पता चलता है कि आज तो 80% रेन के चांसेस है, और शायद आज सनराइज ना हो, पर फिर भी ये दोनों सनराइज होने का वेट करने लगते हैं। जिस बीच जियोंग उससे उसका नंबर मांगता है और उसे दोस्त बनने के लिए बोलता है, जो सुनकर न्यूल को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी से भी दोस्ती नहीं की थी। पर जियोंग के साथ वो काफी खुश थी, इसलिए वो भी उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती है। जियोंग अब यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि जैसे अभी के टाइम पर हम सनराइज होने का वेट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम दोनों अपनी जिंदगी में भी सनराइज होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे दिन काफी बुरे चल रहे हैं। साथ ही न्यूल भी एक नरेशन से बोलती है कि मुझे अब जियोंग की बातें अच्छी लगने लगी थी, कि चलो कोई तो है जो कि मुझे कम्फर्ट फील करा सकता है। यहाँ से अब सीन पास में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब जियोंग और न्यूल बेहोश हुए थे, तब न्यूल वहां से निकलने से पहले एक नोट लिख रही थी कि जियोंग को खुद पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो सच में पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर वो बाहर आकर देखती है कि जियोंग की मॉम टीचर से बोल रही थी कि जियोंग सिर्फ बेहोशी तो हुआ है, आपने इस चीज के लिए मुझे स्कूल में क्यों बुलाया, और ये एकदम नॉर्मल बात है। वैसे भी मैं देख रही हूँ कि आजकल उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो इस बार सेकंड आया है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी मॉम को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और उन्होंने उस पर कितना ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था। जो सारी बातें न्यूल भी सुन लेती है, पर तभी यहाँ पर न्यूल की मॉम आती है, जो कि उसकी इतनी ज्यादा चिंता कर रही थी। वो उसे घर चल के रेस्ट करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। अब जब न्यूल उनके साथ यहाँ से जा रही थी, तभी उसका वो नोट वहीं पर गिर जाता है और वो जियोंग को कभी भी नहीं मिल पाता। इसके बाद हमें एलिमेंट्री स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यूल हमें अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे जब कोई उसे साथ में खेलने के लिए बोलता था, तो वो उनके साथ पढ़ाई करने की बात करती रहती थी, क्योंकि उसे पढ़ाई करना बचपन से ही काफी अच्छा लगता था, जिसकी वजह से कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था। यहाँ तक कि बड़े होने पर भी उसका कोई दोस्त नहीं था। जब भी कोई उसे दोस्ती करने की कोशिश करता, तो उसे पता ही नहीं था कि दोस्ती कैसे करते हैं। और पढ़ाई में इतना अच्छा होने की वजह से उसकी फैमिली की उम्मीदें उससे और ज्यादा बढ़ गई। जब न्यूल हाई स्कूल में फर्स्ट आई थी, उस वक्त उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिन्हें उसे फर्स्ट आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। इसलिए वो और डेडिकेशन से पढ़ाई करना चाहती थी, ताकि वो अपने पापा को स्माइल करते हुए देख पाए। यही वजह थी कि वो अपनी लाइफ में कभी एंजॉय नहीं कर पाई, और उसे ऐसा लगता है कि उसने शायद बहुत कुछ मिस कर दिया। प्रेजेंट में हम इन दोनों को बीच पर देखते हैं, जहाँ पर जियोंग अपना और न्यूल का नाम लिखकर उनकी दोस्ती की तारीख लिख रहा था, और वो इसकी फोटो क्लिक करना चाहता था, पर न्यूल उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, जहाँ पर ये दोनों साथ में खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जब ये लोग घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा ही खुश हैं, क्योंकि न्यूल को भी अब एक दोस्त मिल गया था, जिसे वो स्कूल से जानती थी। ये दोनों फिर यहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, जहाँ पर न्यूल उसे वो रिपोर्ट्स देती है जो कि उसने कोर्ट में सबमिट किए थे, जो देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। और उसे पता चलता है कि वो 3 रात से सोई नहीं है ये प्रिपेयर करने के चक्कर में। तभी न्यूल के फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है, तो जियोंग शॉप ओनर के पास जाता है ताकि वो चार्जर मांग सके, लेकिन ओनर के पास भी चार्जर नहीं था। तो जियोंग वापस आ जाता है, लेकिन तब तक न्यूल
वहीं पर बैठे बैठे सो चुकी थी, जिसे ऐसे देखकर वो शॉप के ओनर से थोड़ी देर बाद खाना लाने के लिए बोलता है। पर वो उसे बोलने लग जाती है कि अगर तुम लोगों को आराम करना है तो हमारा होटल रूम भी है, पर वो मना कर देता है और बोलता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, और उसे और ज्यादा खाना ऑर्डर करने की बात करता है तो वो मान जाती है। जंग अब दरवाजा बंद करके वहीं पर बैठ जाता है, पर तभी वो देखता है कि शायद नियुल को ठंड लग रही है, इसलिए वो अपना कोट निकालने लगता है। पर फिर वो खुद से बोलता है कि यार मैं इतना चीजी क्यों हो रहा हूँ, पर फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं एक दोस्त के नाते तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। अब वो उसके पास जाकर उसे अपने कोट से कवर कर देता है, पर तभी नियुल उसके ऊपर गिर जाती है और उसका सर उसकी गोद में आ जाता है, जिसे इतना प्यार से सोता वो देखकर वो भी उसे नहीं हटा पाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जंग भी उसके बगल में ही सो गया था, और इन दोनों की आंखें एक साथ खुलती है, जहाँ पर दोनों को रियलाइज ही नहीं हुआ था कि कब उनकी आंख लग गई। खाना खाकर फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चार रास्ते में जियोंग को मिन से बात करके पता चलता है कि उसका क्लिनिक भी बिक गया है, और उससे जो पैसा है वो वहाँ पर काम कर रहे लोगों को दे दिया गया। असल में जियोंग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जितने लोगों की जॉब गई है वो अपनी लाइफ में अभी प्रॉब्लम फेस करे। जब ये चीज नियुल को पता चलती है तो वो जियोंग से बोलती है कि ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही होगी, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत से एक क्लिनिक खड़ा किया था, लेकिन अब तुम्हें उसे बेचना पड़ा, और तुम हमेशा से दूसरों के बारे में पहले सोचते हो, इसलिए तुम किसी की जान नहीं ले सकते। अब नियुल के ऐसे कम्फर्ट करने पर जियोंग को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो कि नियुल के बारे में ही सोच रही थी, तभी वहां पर यून आ जाता है, जिसके पूछने पर वोंग बताती है कि नियुल किसी दोस्त के साथ सी साइड पर घूमने गई है। तभी सुयुल उनके घर आ जाती है, जिससे वोंग नियुल के बारे में पूछने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसी के साथ घूमने गई है। पर जब उसे पता चलता है कि वो सुयुल के साथ घूमने के लिए नहीं गई, तो उन्हें लग रहा था कि नियुल घूमने के बहाने सुसाइड करने के लिए गई है, इसलिए वो चिल्लाते हुए बाहर जाने लगती है नियुल को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसका फोन भी ऑफ आ रहा था। पर तभी नियुल और जियोंग गाड़ी लेकर उनके सामने आ जाते हैं, जिन्हें एक साथ देखकर सुयुल वोंग के सामने ही बोल देती है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट लव है जिसके साथ तुम घूमने गई थी। जो सुनकर तो जियोंग भी एकदम हैरान हो जाता है कि क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ, पर नियुल उन लोगों को मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। इतना बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो सुयुल को सारी बातें बता देती है कि वो डिप्रेशन में है, जो जानकर सुयुल को उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि इस टाइम में वो उसके साथ नहीं थी। तभी नियुल एकदम से जाकर अपने रूम का दरवाजा खोल देती है, जहाँ में पता चलता है कि उसकी मॉम और उसका भाई दोनों ही बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे, तो उन सभी को एक साथ सामने बुलाकर बता देती है कि जियोंग उसका फर्स्ट लव नहीं है, वो सिर्फ उसका दोस्त है। लेकिन वोंग थोड़ी टेंशन में थी कि कहीं नियुल जियोंग के साथ रहकर उसे पसंद न करने लग जाए, इसलिए वो सुयुल को अपने पास बुलाकर जियोंग के लिए कोई ब्लाइंड डेट ढूंढने के लिए बोलती है, क्योंकि नियुल अभी डिप्रेशन में थी तो इस वक्त अगर उसके साथ कोई रहे तो शायद उसे अच्छा लगेगा। जॉन के काफी इंसिस्ट करने पर सुयुल भी मान जाती है और उसे ये बात नियुल से छुपाने के लिए बोलती है। अब जब सुयुल ऑफिस में होती है तभी वो सोच रही थी कि वो किस लड़के को नियुल के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजे। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है, तो वो उसे ब्लाइंड डेट के लिए एक लड़का ढूंढने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती है कि वो किसके लिए ढूंढ रही है। दूसरी तरफ हम दुकिम को देखते हैं, जिसका YouTube पर एक चैनल था जिस पर 5 सब्सक्राइबर्स थे, पर वो सभी लोग उसे जानते थे, लेकिन रिसेंटली उसे एक और लड़की ने सब्सक्राइब किया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर एक कौन है जिसने उसे सब्सक्राइब किया। तभी वहाँ पर वो नर्स आकर उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के बारे में बोलती है और बताती है कि लड़की का नाम सोल है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसी ने कुछ दिन पहले YouTube पर सब्सक्राइब किया था, और वो जानना चाहता था कि उसने आखिर उसमें क्या देखा जो कि उसने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। सीन अब यहाँ से जियोंग पर आता है, जो कि अभी तक इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि वो नियुल का फर्स्ट लव है। वो तो यहाँ पूरे अपने डुलुलु स्टेट में चला जाता है। तभी यहाँ पर नियुल आती है, जो कि उसके लिए और रिसर्च पेपर्स लेकर आई थी, जो देखकर जियोंग को लगता है कि पक्का वो नियुल का फर्स्ट लव है, जरूर इसीलिए वो उसकी इतनी हेल्प कर रही है। ये सोचते हुए वो उसे कॉफी के लिए पूछता है। दोनों फिर टेरिस पर बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। तभी नियुल उससे शाम को साथ में शॉपिंग पर चलने के लिए पूछती है, जो सुनकर उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था कि वही उसका फर्स्ट लव है, इसलिए वो खुशी खुशी हाँ बोल देता है और अपने रूम में जाकर शाम के लिए कपड़े चूज करने लग जाता है कि वो क्या पहनेगा। शाम को हम इन दोनों के साथ में शॉपिंग पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जियोंग कैप पहन कर आया था क्योंकि उसका ट्रायल चल रहा था और उसे डर था कि कोई उसे पहचान न ले। पर नियुल को शायद उसकी कैप अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे उतारने के लिए बोलती है, पर जब जियोंग नहीं मानता तो वो खुद ही उसकी कैप उतारने लग जाती है, जहाँ खींचा ताने में नियुल उसके ऊपर गिर जाती है, और यहाँ इन दोनों का एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। पर फिर दोनों ही होश में आकर आगे चलने लगते हैं। मॉल में फिर जब नियुल ड्रेस ट्राई करने के लिए गई हुई थी, तभी जियोंग ये सोचकर बहुत ज्यादा इतरा रहा था कि वो नियुल का फर्स्ट लव है, और जैसे नियुल उसकी बताई हुई ड्रेस पहनकर आती है तो वो उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रटी लग रही थी। पर फिर वो उसकी जगह ड्रेस की तारीफ करने लगता है, तो नियुल उसे बोलती है कि अभी मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई थी, इसलिए तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे हो ना, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था, पर उस वक्त तुम्हारी वजह से मेरे हाथ टूट गए थे।
स्टोरी अब यहाँ से पास्ट में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि स्कूल टाइम पर न्यूल पढ़ाई करने में लगी हुई थी, लेकिन उनके क्लास का फैन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, इसलिए न्यूल डेस्क पर चढ़कर उसे सही करने लग जाती है। लेकिन ऐसा करते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली थी। तभी जोंग आकर उसे बचा लेते हैं, जिन्हें इस रोमांटिक स्टेट में देखकर सभी लोग उनको डेट करने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं, जो सुनकर जोंग घबराते हुए न्यूल को छोड़ देता है, जिससे न्यूल के दोनों हाथ एकदम से जमीन पर लगते और उन्हें मोच आ जाती है। अब क्योंकि न्यूल के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, तो वो क्लासरूम में मुंह से लिखने का ट्राई कर रही थी, जिसे ऐसे देखकर जोंग के फ्रेंड्स उसे बोलने लग जाते हैं कि तुमने जानबूझकर न्यूल को गिराया है ना, क्योंकि जब से वो आई है तब से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रहते और वो तुमसे पढ़ाई में भी आगे है, पर वो उन्हें ऐसी बकवास बातें करने से मना करता है। लेकिन न्यूल को इस तरीके से देखकर उसे काफी बुरा भी लग रहा था, इसलिए वो स्कूल के बाद न्यूल के पास जाकर उसे अपने लिखे हुए नोट्स देता है और साथ ही आज की क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर भी। वो उसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसके हाथों में चोट लग गई, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उसे नोट्स प्रोवाइड करेगा। फिर वो उसका बैग उठाकर उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए जाता है, जो देखकर न्यूल को भी अच्छा लगता है। प्रेजेंट में अब जब ये लोग इस सब के बारे में बात कर रहे थे, तो जिंग को लगने लगता है कि शायद तभी से न्यूल उसे पसंद करने लगी। न्यूल भी यहाँ पर उसे बोलती है कि मुझे तुमसे ना कुछ कहना है, जो सुनकर जिंग को लगता है कि शायद अब वो उसे प्रपोज करने वाली है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। पर तभी न्यूल उसे बताती है कि कल उसकी ब्लाइंड डेट है, जो सुनकर जिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी सारी प्रिपरेशन वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कर रही थी। लेकिन फिलहाल वो इस बात पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और न्यूल शर्माते हुए आगे चली जाती है। लेकिन जैसे ही जिंग घर पर पहुंचता है, तो वो जमीन पर लेटकर अजीब हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रहा था। अगली सुबह जब जोंग जॉगिंग करके वापस आ रहा था, तभी उसे न्यूल मिल जाती है, जो कि डेट पर जा रही थी। जिसे डेट पर जाता वो देखकर जोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर न्यूल उसकी बात समझ नहीं पाती और फिर वो यहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। न्यूल अब एक रेस्टोरेंट में किम से जाकर मिलती है, जहाँ पर वो तो उसे सियोल समझकर मिल रहा था, इसलिए वो उसे अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में बताने लग जाता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि कुछ समय पहले उसका डिवोर्स हुआ है, जो सुनकर जोंग हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर हम किम की डॉटर को भी देखते हैं, जो कि उसी रेस्टोरेंट के पास से गुजर रही थी, और जब वो अपनी डैड को किसी लड़की के साथ डेट करता हुआ देखती है, तो वो रेस्टोरेंट के अंदर आकर अपने डैड को सुनाने लग जाती है। फिर वो अपनी बेटी को भेजकर न्यूल से यहाँ पर माफी मांगता है और उसे सियोल के नाम से बुलाता है, पर वो उसे बता देती है कि उसका नाम न्यूल है और उसकी सारी कंफ्यूजन भी दूर कर देती है। इसके बाद वो सियोल को अपने पास बुलाकर सब कुछ बता देती है और वो उसे ये भी बता देती है कि कैसे डेट के टाइम पर वो सिर्फ उससे के बारे में पूछ रहा था, पर तभी सियोल को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वोंग भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें न्यूल को कॉल करना चाहिए, पर तभी उन्हें न्यूल की बुआ का कॉल आ जाता है, जो बोलती है कि क्या न्यूल ने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं आज उसकी हॉस्पिटल गई थी जहाँ पर मुझे पता चला कि वो तो है ही नहीं। और फिर वो बोलती है कि मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर पहुँच रही हूँ, जो सुनते ही वोंग तुरंत अपने रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद जब न्यूल की बुआ रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, तो वोंग उनके लिए काफी सारा खाना मंगवाती है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उनके लिए ये भी कम पड़ेगा। वो यहाँ पर फिर वोंग से न्यूल के करियर और उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करने लग जाती है और बोलने लगती है कि उसने जॉब छोड़ दी तो अब उसकी शादी में भी और ज्यादा देरी होगी और जिस तरीके की लड़की वो है उसे तो कोई पसंद भी नहीं करेगा। ये सब बोलते हुए न्यूल का मजाक उड़ाने लग जाती है और साथ में वोंग का भी, कि उसे कितना घमंड था अपनी बेटी पर कि वो डॉक्टर है, लेकिन अब देखो वो भी जॉबलेस है उनके बेटे की तरह। इसलिए वो भी गुस्से में बोल देती है कि न्यूल आज डेट पर गई है और जिसके साथ वो डेट पर गई है वो प्लास्टिक सर्जन है, उसने जॉब इसीलिए छोड़ी है क्योंकि वो जल्दी शादी करने वाली है। जो सब सुनने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वोंग भी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सीन अब यहाँ से न्यूल पर आता है, जो कि जब ब्लाइंड डेट से वापस आ रही थी, तभी उसे जोंग मिल जाता है। पहले तो वो न्यूल को देखकर इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि न्यूल की डेट आज फ्लॉप हो गई, तो काफी ज्यादा खुश होकर उसके पास आता है, जहाँ वो उसे सारी चीजें बताने लग जाती है। तभी रेस्टोरेंट में आंटी की नजर इन दोनों पर पड़ती है, जो कि दोनों साथ में आ रहे थे। वो भागते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस लड़की के साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई थी वो जोंग है। वो उसे पूछती है कि तुम प्लास्टिक सर्जन हो, तो वो हाँ कर देता है, जो सुनते ही वो उसे फटाफट से अंदर लेकर आ जाती है और बोलने लग जाती है कि न्यूल का बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। लेकिन न्यूल उन्हें सब कुछ क्लियर कर देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड है, और बता देती है कि जिस पर्सन के साथ वो ब्लाइंड डेट पर आज गई थी उससे उसकी बात नहीं बन पाई, जो सुनकर उसकी बुआ उसका और उसकी मॉम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे सामने झूठ बोला और उसकी हरकतों की वजह से उसे किसी भी जगह पर अब जॉब नहीं मिलेगी, जो सुनकर न्यूल का मुंह उतर जाता है। फिर वो जोंग से बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, पर वो बोलता है कि वो सच में प्लास्टिक सर्जन है, तो वो दोनों ही उससे अपने चेहरे पर फिलर्स वगैरह लगवाने की बात करती है और डिस्काउंट देने के लिए भी बोलती है। लेकिन जोंग इन दोनों की इतनी ज्यादा बेइज्जती मारता है कि उनको तो अपने पूरे चेहरे का नक्शा ही बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि फिलर्स लगा लगा कि उन्होंने अपना चेहरा पूरे बुलडॉग की तरह कर लिया है। जो सब सुनकर न्यूल और वोंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
पर ये सारी बातें सुनकर दोनों आंटीज यहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन आज जो कुछ भी है उससे नियोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो रात में जियोंग के साथ ड्रिंक करने के लिए जाती है। दोनों अब साथ में छत पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ इन दोनों में बहस होने लग जाती है कि किसकी लाइफ सबसे ज्यादा बेकार है, जिसमें जियोंग जीत जाता है। और साथ ही वो नियोल को एडवाइस करता है कि वो काफी सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की पोस्ट पर अप्लाई कर सकती है, जो आइडिया उसको भी अच्छा लगता है। और वो इसी के सेलिब्रेशन करने के लिए और ज्यादा ड्रिंक करने लगती है, पर तभी इनकी बियर खत्म हो जाती है। तो जियोंग बताते हैं कि उसके रूम में विस्की रखी हुई है, ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जियोंग विस्की लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो विस्की लेकर आ रहा था तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। और अभी दोनों एक ही अम्ब्रेला में साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। नियोल से पूछते हैं कि तुम सोने कब जाओगे, तो वो बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद, पर वो यहां पर उसके कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। तो वो भी उसे प्यार से देखने लगता है, जो कि शायद जियोंग के रूम में पड़ा हुआ था, जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। अगले दिन अब जब नियोल की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि रात में नशे की हालत में उसने एक जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां पर उसे इंटरव्यू के लिए जाना था, जिस बारे में वो जियोंग से बात करने के लिए जाती है। और उसे बताती है कि वो विलेज बहुत ज्यादा दूर है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस बारे में घर पर कैसे बताएगी। इस पर जियोंग उसे समझाता है कि तुम्हें बता देना चाहिए और शायद तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, जो सुनकर वो भी मान जाती है। रात में डिनर के टाइम पर वो अपनी मॉम को इंटरव्यू के लिए बता देती है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि उसे इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियोल बोलती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, तो वो भी मान जाती है। अगली सुबह नियोल इंटरव्यू पर जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे गुड लक विश करते हैं, लेकिन उसे तो यहाँ पर जियोंग के विश करने का इंतजार था। फिर हम जियोंग को देखते हैं, वो भी नियोल को मैसेज करने का सोच रहा था, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है, जो कि उसे अपने साथ लंच पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मिन को नियोल की इंटरव्यू के बारे में पता था और उसने अपने डायरेक्टर को सब कुछ बता दिया कि जियोंग ने किस तरीके से अपने प्रोफेसर के साथ बिहेव किया और पूरे हॉस्पिटल में सीन क्रिएट कर दिया था। जो सुनकर जियोंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब बताने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पूरी बात बतानी चाहिए थी कि उसका प्रोफेसर उसकी रिसर्च को चोरी कर रहा था और यहाँ तक कि वो उसकी सैलरी भी जानबूझकर कट कर रहा था। वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम नियोल को देखते हैं, जो कि जब हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है तभी उसे कॉल आता है और वो उसे इंटरव्यू पे आने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि उसे बैकग्राउंड चेक करने पर पता चला कि उसने अपने पहले हॉस्पिटल में हंगामा किया था, इसलिए वो उसे यहाँ पर जॉब पर नहीं रख पाएंगे। जो सब सुनकर जियोंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और स्टेशन के पास बेंच पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसे जियोंग का कॉल आता है तो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे बात करने लग जाती है। वो उसे बोलती है कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है और शायद उसने अपनी लाइफ को कुछ गलत तरीके से जिया है। लेकिन तभी जियोंग उसके सामने आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुमने लाइफ को जीने में कोई भी गलती नहीं की है, जिसे यहाँ पर देख कर नियोल एकदम से हैरान हो जाती है और जियोंग भी उसे देखने लग जाता है। सीन अब यहाँ से एक आदमी पर आता है, जो जैसे ही नहाकर बाहर आता है तो एक पेन उठाकर उसे देखने लग जाता है और शायद वही पेन था जो कि जियोंग के घर में पड़ा हुआ था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम जियोंग और नियोल के स्कूल टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जब नियोल उसे बास्केटबॉल खेलता हुआ देख रही थी तो सोचती है कि ये क्या अपने आप को बहुत ज्यादा कूल समझता है और पता नहीं लड़कियां इस जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है। नियोल को देखकर जियोंग के दिमाग में भी यही सब चलता था कि वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रेजेंट में इनकी सिचुएशन अब काफी अलग हो गई थी। जब जियोंग नियोल को कंफर्ट करने के लिए यहाँ पर आता है तो वो अपने मन में बोलने लगती है कि पहले मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सोचा था, लेकिन आज जब तुम मुझे इस तरह से हर चीज में कंफर्ट करते हो तो मुझे तुम्हारे साथ काफी अच्छा लग रहा है। और जियोंग भी यही सोचता था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, नियोल को अपने पास देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। नियोल अब यहाँ पर उसे नर्वस होकर पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो भी नर्वस होकर बोलता है कि मुझे पता था कि तुम रोते हुए घर वापस आने वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वो फिर उसे बता देता है कि कैसे मैंने उसके हॉस्पिटल के डायरेक्टर को जानता है और जब उसे नियोल के बारे में पता चला तो उसने उसके पुराने हॉस्पिटल के सीन के बारे में बता दिया था, जो देखकर नियोल बोलती है कि अच्छा तो उसी की वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। पर जियोंग कहता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया और वैसे भी बाद में उन लोगों को पता ही चल जाता, तो इससे बेटर है कि उन्हें पहले पता चल गया। इस पर नियोल कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इतनी दूर मुझे यहाँ पर सिर्फ लेने के लिए आए हो, एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी किसी दोस्त के लिए ऐसा नहीं करेगा। जो सुनकर जियोंग नर्वस हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूं, तो वो उसे झूठ बोल देता है कि अरे मैं तो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आया था और नियोल भी हमेशा पढ़ाई की वजह से ज्यादा कहीं पर घूमी नहीं थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो लोग शाम तक यहीं पर आसपास घूमेंगे। दोनों फिर साथ में साइकिलिंग करने के लिए जाते हैं। नियोल फिर जियोंग को उसके साथ साइकिल पर रेस लगाने के लिए बोलती है और बोलती है कि जो हारेगा जीतने वाला उसके माथे पर फ्लिक करेगा। ये सुनकर जियोंग 3 तक गिनती करने लगता है, लेकिन नियोल उससे पहले ही आगे चली जाती है और बोलती है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग जीत जाता है, जो देखकर नियोल उसके पास आती है ताकि वो उसे फ्लिक मार सके,
लेकिन जोंग उसे अपने इतने करीब देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और उसे मार ही नहीं पाता। अब जैसे ही न्यूल अपनी आंख खोलती है तो वो भी जोंग को अपने इस पास देखकर थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी, जिस ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए जोंग उसे हल्के से फ्लिक मार देता है। अब जैसे ये लोग आगे घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ कपल्स एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे, तो ये देखकर जोंग भी न्यूल को फोटोज क्लिक करवाने के लिए बोलता है, लेकिन वो इतना सीरियस होकर पोज दे रही थी तो जोंग उसे स्माइल करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उसकी काफी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करता है। अब जैसे वो आगे जा रहा होता है तो न्यूल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। पहले तो ये दोनों काफी ऑकवर्ड हो रहे थे और उनकी फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर ये दोनों काफी अच्छे अच्छे पोज बनाकर फोटोज खिंचवाते हैं, जिसमें ये लोग साथ में काफी अच्छे लग रहे थे। फिर ये लोग एक जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जोंग उन फोटोज को जूम कर करके देख रहा था। न्यूल उसे बोलती है कि शायद उसने कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी इस जॉब के लिए और शायद मुझे थोड़ा सा और रेस्ट करना चाहिए, जिसकी इस बात पर जोंग भी एग्री करता है और बोलता है कि जब तुम पूरी तरीके से रेडी हो तभी जॉब के लिए अप्लाई करना। अभी लोग ऐसे एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करके पूरा दिन स्पेंड करते हैं और जब ये शाम में अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे, लेकिन स्टेशन के बाहर एक ओल्ड मैन जो कि अपनी बेटी के साथ जा रहा था वो अचानक से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर उसकी बेटी सभी लोगों से मदद मांगने लगती है तो न्यूल बताती है कि वो एक डॉक्टर है, जहाँ पर उसकी बेटी से उसे पता चलता है कि रिसेंटली इस ओल्ड मैन की हार्ट सर्जरी हुई थी और उसे पेसमेकर लगा हुआ है, जो देखकर जोंग उसकी चेस्ट को पंप करने लगता है ताकि वो फिर से सांस ले सके। लेकिन ऐसा करते वक्त उसके सामने वही सारे विजन्स आ रहे थे जिसमें उसकी पेशेंट की जान चली गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके हाथ फ्रीज हो जाते हैं, जिसे इस तरह देखकर न्यूल खुद ही उस आदमी की चेस्ट को पंप करने लग जाती है, जिसके थोड़ा कोशिश करने के बाद वो आदमी सांस लेने लग जाता है और फिर एम्बुलेंस आकर उसे यहाँ से ले जाती है। पर जोंग अभी भी सदमे में उस एम्बुलेंस को ही देखे जा रहा था। तब इन दोनों को याद आता है कि रेलवे स्टेशन तो अब बंद हो गया है और अब ये लोग घर नहीं जा सकते, इसलिए न्यूल उसे यहीं पर रात गुजारने के लिए बोलती है। न्यूल फिर यहाँ से एक होटल में पहुंचते हैं, जहाँ पर न्यूल रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि उन्हें दो रूम्स चाहिए, लेकिन अभी अभी एक गेस्ट रूम खाली करके गया था इसलिए वो लोग उस रूम को क्लीन करने के लिए एक घंटे का टाइम मांगते हैं। तो न्यूल एक घंटे के लिए जोंग को उसके रूम में रहने को बोलती है। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ता है, पर हम देखते हैं कि रूम में पहुंचने के बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे कि कहीं कोई एक दूसरे को गलत ना समझ ले। जोंग को रूम के अंदर एक छोटा सा फ्रिज दिखाई देता है, जब वो जाकर देखता है तो उसके अंदर बियर रखी हुई थी, इसलिए वो न्यूल को साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलता है। तो न्यूल ड्रिंक करने के लिए बेड पर बैठ जाती है और साथ में जोंग को भी बैठने के लिए बोलती है, पर जैसे वो बैठता है तो वो गलती से न्यूल के हाथ पर ही बैठ जाता है, जो रियलाइज होने पर दोनों ही चिल्लाकर उठ जाते हैं। न्यूल उसे बोलती है कि देखो तुम कुछ गलत मत समझो, मेरी नजरों में तुम अभी सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक प्रोटीन की तरह समझ लो, जिस पर जोंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ऑर्गेनिज्म है और प्रोटीन लगता हूं? तो न्यूल बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं? जोंग बोलता है कि अगर तुमने ऐसे किया ना तो मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लूंगा। न्यूल कहती है कि हाँ मैं भी, और अब दोनों एक दूसरे को नॉर्मली बिहेव करने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ बैठकर आराम से ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर न्यूल बोलती है कि उसका इंटरव्यू तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन शायद उन लोगों को यहाँ पर आने का यही मकसद था कि उन्हें उस ओल्ड मैन की जान बचानी थी। बातों ही बातों में जोंग भी उसे बताने लग जाता है कि अब उसे ठीक से नींद नहीं आती, इससे पहले कि वो उसे आगे कुछ बता पाता न्यूल को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उसे इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहती थी। तो न्यूल उनसे बाहर जाकर बात करती है, वो बोलती है कि इंटरव्यू की बात वो उन्हें कल घर पर आकर बताएगी और वो आज रात यहीं पर रुक रही है। अब जब वो उनसे बात करके जा रही थी तभी उसे सियोल का कॉल आता है और वो भी उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तो न्यूल उसे यहाँ पर सारी बातें बता देती है कि कैसे मिन की वजह से उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया, और बातों ही बातों में ये भी बोल देती है कि जोंग किस तरीके से उसे कम्फर्ट करने के लिए यहाँ पर आया। ये सुनकर सियोल उसे छुड़ाने लग जाती है कि वो दोनों आज रात साथ में स्पेंड करने वाले हैं, और साथ ही वो उसे ये भी बोलती है कि उसे तो पक्का ही लगता है कि वो ना उसे पसंद करता है, लेकिन न्यूल उसे ऐसी बातें करने से मना करती है और कॉल कट करके अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोंग सो रहा था, लेकिन उसे नींद में उस फेल्ड सर्जरी के बुरे बुरे सपने आ रहे थे, जिससे कि वो काफी घबरा कर उठ जाता है और रोने लगता है। तभी न्यूल वहाँ पर आकर बताती है कि उसका रूम बगल वाला है जो कि क्लीन हो चुका है, लेकिन जोंग उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि क्या वो उसके साथ थोड़ी देर और रुक सकती है, क्योंकि वो फिलहाल अकेला नहीं रहना चाहता। जिसे इस तरीके से घबराता हुआ देखकर वो भी मान जाती है, पर वो ऑकवर्ड न फील करे इसीलिए जोंग अपने साथ में उसे कार्ड्स खेलने के लिए बोलता है, जो सुनकर न्यूल अपना बैग दूसरे रूम में रखने के बहाने वहां से चली जाती है और सोचने लगती है कि हे भगवान ये क्या कर रहा था, उसने मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ा था और इतने सिडक्टिव वे में कौन पूछता है कार्ड्स खेलने के लिए। उसे यहाँ पर सियोल की बातें कहीं ना कहीं सच लग रही थी कि शायद वो उसे पसंद करता है। फिर जब वो उसके रूम में वापस जाती है तो जोंग उसे थैंक्स बोलता है उसके साथ रुकने के लिए और उसे कार्ड खेलना सिखाने लग जाता है, जिसमें हारने
वाले के हाथ पर वो अपनी फिंगर से हिट करेंगे, जैसा कि शायद हम सभी लोगों ने बचपन में किया होगा। लेकिन जब ये लोग खेलना शुरू करते हैं तो जियोंग बार बार न्यूल से हारे जा रहा था। वो उसे एक बार भी नहीं जीत पाता जबकि न्यूल इस गेम को पहली बार खेल रही थी, और वो काफी डर रहा था कि न्यूल उसे हिट करेगी क्योंकि वो उसे 30 बार हार चुका था, पर वो उसे सिर्फ 3 बार ही हिट करती है। अगले दिन हम काम को देखते हैं जो कि अपने घर में था, जहाँ उसकी बेटी उसे पार्लर जाने के लिए पैसे मांगती है, तो वो उसे पैसे दे देता है। यहाँ वो अपनी बेटी से मजाक करने की कोशिश करता है लेकिन वो गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम सियोल को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ गार्डन में इंसेक्ट्स पकड़ रही थी। उसके बेटे को वहाँ पर एक ग्रास हॉपर दिखता है, तो वो सियोल को उसे हाथों से पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन उसे इंसेक्ट से काफी डर लग रहा था इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पाती। यहाँ से सीन अब न्यूल और जियोंग पर आता है जो कि अपनी सिटी में वापस पहुंच गए थे, पर टैक्सी से उतरने के बाद जियोंग न्यूल को अलग से घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम उन दोनों को फिर से साथ में देखकर कुछ और ही सोचने लगे, जिस चीज के लिए पहले तो न्यूल मना करती है लेकिन फिर बाद में मान जाती है। अब जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचती है तो युन और वांग आपस में बातें कर रहे थे, जिनकी बातों से उसे पता चलता है कि न्यूल की मॉम इस बार भी अपनी बेटी से बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठी है, लेकिन उस बेचारी का तो इंटरव्यू ही नहीं क्लियर हो पाया था इसलिए अब उसके घर जाने की हिम्मत नहीं होती और वो यहाँ से कहीं और चली जाती है। इसके बाद हम न्यूल की मॉम को छत पर कपड़े सुखाता हुआ देखते हैं, तभी वहाँ पर जियोंग आता है, तो वांग यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उस दिन जियोंग ने उनके रिश्तेदारों की बेइज्जती करके उनकी बोलती बंद कर दी थी, पर वो यहाँ पर इनसे न्यूल के बारे में पूछता है, तो वांग बताती है कि वो तो इंटरव्यू से अभी तक घर पर नहीं आई और वो शायद आज रात भी वहीं पर ही रुकने वाली है। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है कि वो सिटी में आने के बाद भी अभी तक घर पर नहीं आई, इसलिए वो अपने रूम में जाकर जल्दी से न्यूल को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो झूठ बोल देती है कि हाँ मैं घर पर ही हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में आ रही आवाजों की मदद से जियोंग को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है क्योंकि जियोंग एक गेमिंग पार्लर में थी। यहाँ पहले तो वो उसका गुस्से में कान पकड़ लेता है और उसे घर न जाने का रीजन के बारे में पूछता है, जिस पर न्यूल उसे फिर से झूठ बोल देती है कि मैं घर गई थी लेकिन मेरा ना वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। जो सुनकर जियोंग को आइडिया आता है, वो पहले तो न्यूल का मूड सही करने के लिए उसके साथ गेम खेलने लगता है, फिर उसे कुछ खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है और उसे बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, लेकिन वो अभी भी घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो जियोंग इसे अपने स्कूल चलने के लिए कहता है जहाँ पर ये लोग साथ में पढ़ा करते थे। ये लोग अपने क्लासरूम में जाकर अपने अपने बेंच पर बैठ जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जहाँ न्यूल जियोंग से पूछती है कि अगर कभी उसे ऐसा मौका मिले कि वो अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस जा सके, जिसका जियोंग के पास तो कोई जवाब नहीं था, तो न्यूल से भी सेम सवाल पूछता है, तो न्यूल बोलती है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम फिर से देना चाहूंगी। वो यहाँ पर उसके पूछने पर बताती है कि उस एग्जाम के वक्त मैं बहुत ज्यादा बीमार थी इसलिए मैं ठीक से एग्जाम नहीं दे पाई। मुझे भी अब ये बात पता थी कि मुझे अपने डिजायर्ड कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं रिजल्ट आने पर और ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज्यादा हाई थी, इसलिए मेरे ऊपर सबकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने का प्रेशर था और यही प्रेशर बड़े होने के बाद भी मेरे ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। जियोंग बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ क्योंकि तुमने फ्रेंड्स, अपनी हॉबीज वगैरह सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसे कम्फर्टिंग वर्ड सुनकर न्यूल को काफी अच्छा लगता है और वो उसे अब घर चलने के लिए बोलती है। तो जियोंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम घर जा सकती हो, तुम जानबूझकर घर नहीं जा रही थी ना, क्योंकि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि तुम अपने फेल्ड इंटरव्यू के बारे में घर पर कैसे बताओगी। ये सुनकर न्यूल हैरान हो जाती है और पूछते है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो जियोंग बोलता है कि शायद अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूं, तुम्हें अपने ऊपर इतना हार्श नहीं होना चाहिए, अगर तुम अपनी देखभाल अच्छे से कर पाओगी तभी तुम बाकी लोगों की भी देखभाल कर पाओगी, इसलिए खुद पर ध्यान दो, और अगर मुझे मौका मिले वापस से हाई स्कूल वाली लाइफ में जाने का तो मैं सबसे पहले जाकर तुम्हें एक हग करूंगा, क्योंकि मुझे यंग वाली न्यूल के लिए काफी बुरा लगता है, जिसकी ये बातें सुनकर न्यूल की आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है इसीलिए दोनों साइड में छुप जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद ये दोनों मस्ती करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब घर पहुंचकर जैसे न्यूल की मॉम और यून से इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं तो न्यूल पहले तो एक गहरी सांस लेती है और फिर बोल देती है कि अभी का टाइम उसने इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि अभी वो कहीं पर भी जॉब करने के लिए ठीक से तैयार नहीं है और मैं अभी थोड़ा सा और रेस्ट करना चाहती हूँ। जिसकी इस बात के लिए उसकी मॉम उसे पूरा पूरा सपोर्ट करती है और उसे आराम करने के लिए बोलती है। जो सुनकर न्यूल को भरोसा ही नहीं हो पाता कि ये सब बोलना तो इतना आसान था, बल्कि वो पता नहीं क्यों इतना डर रही थी। फिर वो जियोंग को इस बारे में टेक्स्ट करके बताती है तो उसे भी काफी अच्छा लगता है। दोनों फिर गुड नाइट बोलकर एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। तभी जियोंग को मिन का कॉल आता है जो कि उसे कल मिलने के लिए बुलाता है। अगली सुबह जियोंग मिन से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर मिन उसको एक हिडन पेन कैमरा दिखाता है। अब जैसे ही जियोंग को ये बात पता चलती है कि मिन को ये कैमरा उसके क्लिनिक से मिला, ये सुनकर जियोंग तुरंत ही अपने क्लिनिक में जाता है जहाँ वो हर जगह पर ऐसे और कैमराज को ढूंढने लगता है। जहाँ पर वो हर जगह चेक करता है तो उसे ऐसे और भी कैमराज मिलते हैं।
जो सब देखकर वो काफी हैरान था। वो फिर इन सभी को जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता है और चेक करने के लिए बोलता है। जॉन उसे पता चलता है कि कोई इन कैमरास की मदद से जोंग पर नजर रखे हुए था, पर ऐसा कौन कर रहा था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो जोंग पुलिस से उन पेन के अंदर मौजूद फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए बोलता है और मिन के साथ यहाँ से निकल जाता है। बाहर जाकर जोंग मिन से बोलता है कि अब पुलिस वालों के पास एटलीस्ट कुछ तो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और शायद इससे हमें केस में मदद मिलेगी। फिर वो मिन को बोलता है कि जब तुम्हें इस हिडन कैमरा के बारे में पता चला तब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर मिन बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आया था लेकिन तुम वहां पर नहीं थे। तो जोंग बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें उसी दिन मुझे बताना चाहिए था, लेकिन अब मिन की वजह से उसे इस हिडन कैमरा के बारे में पता चला था इसलिए वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि तुम्हें शायद न्यूल से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका इंटरव्यू खराब हुआ। जो सुनकर मिन उसे बोलता है कि क्या तुम न्यूल को पसंद करते हो, पर जोंग उसे इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था। तो मिन बोलता है कि जो कुछ भी है वैसे तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारी कंडीशन को देखकर तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि वैसे उसकी लाइफ में ऑलरेडी काफी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जहाँ पर हमें मिन का बिहेवियर थोड़ा सा सस्पिशियस भी लगता है। इसके बाद हम न्यूल को देखते हैं जो कि सियोल के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, जहाँ पर सियोल उसे वापस से बोलना चालू कर देती है कि जोंग ना शायद उसे पसंद करता है इसलिए वो उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है। रास्ते में घर आते वक्त भी न्यूल जोंग के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर वो मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहे हैं और उसने उस दिन जो उसे अपने साथ ही रात में रुकने के लिए बोला था उसका क्या मतलब था। तभी उसे जोंग दिखता है जो कि अभी अभी घर पर पहुंचता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे सीधा ऊपर आ जाती है। वो उसे आवाज लगाती है और सीधा उससे पूछ लेती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, जो सुनकर तो जोंग स्पीचलेस हो जाता है। पर न्यूल उसे बार बार पूछी जा रही थी कि तुम मुझे इतना कम्फर्ट क्यों फील करवाते हो और मेरा बार बार हाथ क्यों पकड़ रहे थे, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जो सुनकर जोंग उसे अपनी मन की बात बताना चाहता था, पर तभी उसे मिन की बात याद आ जाती है कि उसे अभी इतनी ज्यादा खुश नहीं रहना चाहिए। तो वो उसे बोल देता है कि वो सिर्फ एज अ फ्रेंड उसका ख्याल रख रहे हैं और उसे माफी मांगता है कि शायद उसने उसे कंफ्यूज कर दिया, जिससे वो ये समझने लग गई कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन आगे से वो इस बात का ध्यान रखेगा। जो सुनकर न्यूल हैरान होकर उसे देखने लगती है और तभी वहां पर एक बर्तन गिरने की आवाज आती है। जैसे जोंग वहां से एक बेडशीट हटाता है तो पूरी फैमिली छत पर बार्बेक्यू डिनर कर रही थी और उन लोगों ने इनकी सारी बातें भी सुन ली थी, जिन्हें यहाँ पर देखकर इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। न्यूल तो एम्बैरेस होकर यहाँ से चली जाती है और जोंग वापस से बेडशीट को लगाकर चले जाता है। न्यूल अपने घर पर जाकर पूरी फैमिली के ऊपर काफी जोर से चिल्ला रही थी कि आप लोगों को छत पर जाकर बार्बेक्यू करने की क्या जरूरत थी, आपको पता है ना कि वहां पर अभी कोई रहता है, तो भला आप लोग क्यों वहां पर खाना बना रहे थे। तो उसकी मॉम बोलती है कि जोंग भी हमारे साथ बार्बेक्यू करने वाला था इसीलिए हम लोग वहां पर गए थे। ये सुनकर न्यूल गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। बाहर ये सभी लोग बात कर रहे थे कि न्यूल की कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी, जोंग ने तो उसे ब्रूटली रिजेक्ट कर दिया। पर उसकी मॉम ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी बेटी रिजेक्ट हो गई। वो बोलती है कि उसने कौन सा अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है और ये सारी ना जोंग की गलती है, उसने मेरी बेटी को कन्फ्यूज किया, वो कभी उसका हाथ पकड़ता है तो कभी उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है, जिसकी वजह से वो उसे ये सब पूछ रही थी। लेकिन न्यूल का भाई और अंकल एकदम आग में घी डालने का काम कर रहे थे। तभी योन बोलता है कि जोंग तो उस विलेज के अंदर भी न्यूल के साथ था, जिसका मतलब इन दोनों ने एक और रात फिर से साथ में गुजारी। तभी जोंग बाहर आकर बोलने लगती है कि हम दोनों ने दो रूम्स बुक किए थे और उन लोगों को अपना ज्यादा दिमाग चलाने से मना करती है, जो सुनकर सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं और न्यूल वापस से अपने रूम में आ जाती है। इधर जोंग भी सोच रहा था कि आखिर ये सब मैंने क्या कर दिया। अगली सुबह अब जैसे ही जोंग अपने रूम से बाहर आता है तो न्यूल की मम वहां पर प्लांट्स को पानी दे रही थी, जहां वो जोंग पर गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो डस्ट हटाने के बहाने उस पर पानी गिरने लग जाती है, जिससे बचकर जोंग किसी तरीके से वहां से भाग जाता है। ताई भी उसे अपने रेस्टोरेंट में आने नहीं देता और बोलता है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए थे, जबकि उसकी डिलीवरी रेस्टोरेंट के बाहर ही रखी हुई थी। अब जैसे वो सुपरमार्केट जाकर कुछ खाने वाला था तभी यून वहां पर आकर उसका खाना चुरा कर ले जाता है और ये सभी लोग इस तरीके से मिलकर जोंग से बदला ले रहे थे, जिससे परेशान होकर जब बेचारा जोंग रास्ते से जा रहा था तभी उसे वहां पर न्यूल मिल जाती है, जो उसे बोलती है कि देखो कल जो कुछ भी हो उसके बारे में कुछ और मत समझना, मेरा दिमाग वैसे भी आजकल सेंटर में नहीं है इसलिए मैंने वो सारी बातें बोल दी। तो जोंग बोलता है कि इस वजह से हमारी दोस्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जिसके लिए वो हाँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सियोल को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि आखिरकार वो इंसेक्ट को कैसे पकड़ेगी। तभी जब वो लिफ्ट में जाती है तो उसी लिफ्ट के अंदर कांग भी आ जाता है, पर उसे नहीं पता था कि वही सियोल है इसलिए वो उससे कुछ बात नहीं करता। तभी हम सोल के कंधे पर एक लेडी बग को देखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसे इंसेक्ट से डर लगता था। तो कांग उसकी हेल्प करता है और उसके शोल्डर से उस लेडी बग को हटा देता है। तभी वो उसके कोट पर उसका नेम बैज देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यही सोल है, तो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है।
इसके बाद हम न्यूल को देखते हैं जो कि अपने साइकेट्रिस्ट के पास जा रही थी। जो रास्ते में सोचती है कि अगर अब जोंगुस को मिलेगा ना तो वो उससे नॉर्मली बात करेगी, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आता है तो वो अपने मुंह छुपाकर साइड में चली जाती है और बोलता है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग नॉर्मली बात करेंगे। इस पर जोंग बोलती है कि हाँ मैंने बोला था लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है तो मुझे नहीं पता कि बीच की लाइन कहाँ पर होती है और फ्रेंड्स बनाने और लाइक करने में क्या डिफरेंस है। तब जोंग भी उसे इनडायरेक्ट वे में बोल देता है कि अभी उसके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है इसलिए वो अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, यानी कि वो अभी चाहकर भी उसे पसंद नहीं कर सकता। जिसकी इस बात पर न्यूल कुछ भी नहीं बोलती। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स एक स्ट्रेचर पर एक पर्सन को लेकर जा रहे थे जिसे सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट लग गई थी। जैसे ही जोंग जमीन पर पड़ा हुआ खून देखता है तो उसे वापस से उस इंसिडेंट की विजन आने लग जाते हैं और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, जिसे न्यूल भी इस तरीके से ऑब्जर्व कर रही थी। अगले सीन में हम न्यूल को साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो काफी अच्छे से धीरे धीरे रिकवर कर रही है। जहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि वो ट्रक वाले इंसिडेंट के बाद उसे कोई PTSD के सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है, जैसे कि उसे एक्सीडेंट होने से डर वगैरह लगता हो, पर न्यूल मना कर देती है और उसके पूछने पर उसे PTSD के बारे में समझाने लग जाता है कि कैसे किसी इंसिडेंट की वजह से कोई पर्सन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में भी जब किसी के साथ कोई मेडिकल इंसिडेंट होता है तो वो लोग ऑपरेशन करने से डरते हैं या फिर खून को देखकर उन्हें कुछ अजीब सा होने लगता है। जो सारी बातें सुनकर न्यूल को जोंग के बारे में याद आने लगता है। घर जाते वक्त वो उसके बारे में सोच रही थी कि कैसे उस ओल्ड पर्सन को CPR देते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और मेट्रो में ब्लड देखकर वो एकदम फ्रीज हो गया था, जिससे वो समझ जाती है कि जोंग को PTSD के सिम्टम्स हैं और वो भागते हुए फटाफट से घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर हम जोंग को देखते हैं जो जब सो रहा था तभी उसे वापस से उस सर्जरी के ड्रीम आने लग जाते हैं, जिससे वो घबराकर अपनी नींद से उठ जाता है और रोने लगता है। अब वो बाहर आकर बैठ जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि जोंग को हर रात यही सपना आता है कि वो उस लेडी को ऑपरेट कर रहा है, जहाँ वो उसे हर बार बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो हर दिन उसके सपने में मर जाती है। फिर वो न्यूल के बारे में सोचने लगता है कि फिलहाल एक वही ऐसी पर्सन है जिसके साथ रहकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जब वो उसके पास होती है तो किसी और चीज की टेंशन उसे नहीं रहती। तब भी भागती हुई न्यूल वहां पर पहुंच जाती है। जो जैसे ही जोंग को जागा हुआ देखती है तो तुरंत उसे हग कर लेती है क्योंकि वो समझ गई थी कि जोंग इस टाइम पर क्या फील कर रहा होगा। वो बोलने लग जाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो सुनकर जोंग को भी काफी अच्छा लगता है। पर वो उसे ये बोलती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझे हक करना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें हक कर लिया। जोंग उसे बोलता है कि अभी मैं भी काफी ज्यादा परेशान था और इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, जो सुनकर न्यूल को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद न्यूल हमें एक नरेशन के थ्रू बताती है कि कैसे वो हफ्तों के सातों दिन एकदम पागलों की तरह काम करती थी लेकिन इसके बदले उसे सिर्फ डिप्रेशन मिला। डिप्रेशन में उसे कुछ भी समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। कभी उसे कुछ काम करना अच्छा लगता था तो कभी उसे सिर्फ खाली रहना अच्छा लगता था। कभी उसका मन करता था कि उसके पास भी जॉब हो पर कभी उसे लगता था कि वो बिना जॉब के ठीक है। और क्योंकि उसे डिप्रेशन हुआ इसी वजह से वो समझ पा रही थी कि जोंग किन हालातों से गुजर रहा होगा, इसीलिए वो उसे कम्फर्ट फील कराने के लिए हक करती है। अगले सुबह न्यूल जॉगिंग करने के लिए जा रही थी तो वांग भी उसे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज करने को बोलती है। अब जब वो जाने लगती है तभी उसकी नजर TV पर पड़ती है जिसमें बताया जा रहा था कि जोंग के केस का ट्रायल 3 दिन बाद होने वाला है। ये देखकर न्यूल की मॉम बोलती है कि वैसे तो जब से जोंग ने तुम्हें रिजेक्ट करा है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो लड़का बिल्कुल इनोसेंट है और उसे पता नहीं किन किन चीजों से गुजरना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो जब जॉगिंग कर रहा था तभी उसे पुलिस स्टेशन से डिटेक्टिव का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे क्लिनिक में चेक करा और उन्हें और कोई हिडन कैमराज नहीं मिले, पर जिन हिडन कैमरा पे उन्होंने फिंगरप्रिंट टेस्ट रन किया था उसमें से कोई भी फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। लेकिन वो फिर से एक बार और टेस्ट कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट आएंगे वो उसे बता देंगे। अब जैसे ही वो फोन रखता है तभी न्यूल उसके पास आ जाती है जहाँ वो उससे पिछली रात उसे हग करने के बारे में बोल रही थी। इस पर जोंग बोलने लग जाते हैं कि हाँ मुझे पता है कि डिप्रेशन की वजह से तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन न्यूल बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें हग इसीलिए किया क्योंकि ऐसा मेरे दिल ने मुझे करने के लिए बोला था। जो सुनकर जोंग उसे देखता रह जाता है। फिर न्यूल उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें PTSD है और मैं भी कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ जो मैं हमेशा अपने बारे में तुमसे बात करती रही, लेकिन तुम खुद भी कितनी ज्यादा तकलीफ में हो। जो सब सुनकर जोंग भी स्पीचलेस हो जाता है तो न्यूल उसे पूछती है कि क्या तुम फ्री हो और फिर उसे अपने साथ ले जाती है जहाँ वो सबसे पहले उसे वाइन शॉप में ले जाकर एक वाइन दिलाती है और बोलती है कि अगर तुम रात में इसको पीकर सोओगे ना तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। इसके बाद वो उसे रात में सोने के लिए अच्छे कंफर्टेबल क्लोथ्स दिलवाती है और फिर घर पर जाकर उसके साथ उसकी बेडशीट को धोने में मदद करती है ताकि क्लीन बिस्तर पर सोने से उसको अच्छी नींद आए। बातों ही बातों में फिर यहाँ पर वो उसे बता देती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, जो सुनकर जोंग तो बेचारा गिरने ही वाला था और बोलता है कि क्या तुम ये बात बताने के लिए कोई और टाइमिंग नहीं चूज कर सकती थी। तो न्यूल बोलती है कि मैं भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ,
क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स इसलिए आ रही है क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। क्योंकि जब भी जाऊँ उसके क्लोज आता है तो उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इसीलिए वो अभी उसे थोड़ा टाइम होल्ड पर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि फिलहाल उसका केस भी चल रहा था, इसीलिए वो अभी अपनी फीलिंग्स पर ध्यान न देकर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे। फिर बेडशीट सुखाते वक्त जोंग भी उसे बोल देता है कि जब मैंने तुम्हें कल कहा था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो उसका मतलब कुछ और था। ये सुनकर न्यूल भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने भी इनडायरेक्ट वे में अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया था। पर दोनों ही थोड़ा टाइम अपनी फीलिंग्स को होल्ड पर रखने का डिसाइड करते हैं क्योंकि दोनों ही डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे थे और उनकी लाइफ में भी काफी सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे, तो ये लोग थोड़ा सा टाइम लेना चाहते थे ताकि ये लोग डिसाइड कर सके कि इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है या फिर नहीं। यहाँ से फिर हम सियोल को देखते हैं जो कि न्यूल से मिलने के लिए आई थी, पर वांग उसे बताती है कि वो तो जॉगिंग पर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तभी यून वहाँ पर आकर बोलता है कि वो तो जियोंग के साथ छत पर हैंग आउट कर रही है। ये सुनकर वांग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये लड़की रिजेक्ट होने के बाद भी उस लड़की के साथ क्यों घूम रही है, और सियोल के पूछने पर ये लोग उसे सारी बात बता देते हैं कि कैसे जियोंग ने न्यूल को एकदम ब्रूटली रिजेक्ट कर दिया था। सीना वापस से न्यूल और जियोंग पर आता है जो कि दोनों छत पर बैठे हुए थे। तभी न्यूल को याद आता है कि सोला जिससे मिलने के लिए आने वाली थी, पर जाने से पहले उसे बोलती है कि अगर रात में तुम्हें सोने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना और हम दोनों फिर साथ में मिलकर कार्ड्स खेलेंगे। और वो फिर से उसे जाने से पहले कुछ और बोलने लगती है। ये देखकर जियोंग समझ जाता है कि उसके मन में कुछ और बात है और डायरेक्टली पूछ लेता है कि आखिर वो क्या बोलना चाहती है। न्यूल ये देखकर हैरान होती है और बोल देती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हो। फिर वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन जियोंग बोलता है कि अभी वो इतना भी वीक नहीं है कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़े और टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर न्यूल कहती है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था। दोनों यहाँ पर अपनी बात एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे। इतने में सुल वहाँ पर आकर न्यूल को अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर वो उसे लेक्चर देने लगती है। डिप्रेशन के चलते तुम्हारी फीलिंग्स ना एकदम गड़बड़ हो गई है और मैं ही पागल हूँ जो कि मैंने तुम्हें बोला कि जियोंग शायद तुम्हें पसंद करता है, पर अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उसके साथ इस तरीके से नहीं घूमना चाहिए और वो ना शायद तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है और वो यहाँ न्यूल की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उसे किसी का मैसेज आता है जो कि उसे कॉफी के लिए पूछ रहा था, जो देखकर उसके फेस पर मुस्कान आ जाती है, जिसे इस तरह देखकर न्यूल उसे छेड़ने लगती है और सियोल भी उसे बताना चाहती थी, लेकिन न्यूल उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देती है क्योंकि उसने उसकी बहुत ही सारी बकवास पहले ही सुन ली थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये मैसेज सियोल को कांग ने किया था, और जब ये लोग उस वक्त लिफ्ट में थे और कांग ने उसके कंधे पर से लेडी बग को हटाया था, तभी कांग को पता चला कि वही सियोल है। अब वो इससे पहले कि उससे कुछ बात कर पाता, लिफ्ट के अंदर काफी सारे लोग आ जाते हैं। वो फिर यहाँ पर उसे बताता है कि वो वही पर्सन है जो कि उसके फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, और उसे बाद में कॉफी पर मिलने के लिए पूछता है क्योंकि सियोल भी जानना चाहती थी कि आखिर वो उसके बारे में कैसे जानता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जिसे जब सियोल का रिप्लाई आता है तो वो काफी खुश होता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी इतना खुश देखकर उसे बोलती है कि अगर आप फिर से किसी ब्लाइंड डेट पर जाने का प्लान कर रहे हो ना तो प्लीज कहीं दूर जाना, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आपको इस तरीके से देखकर मजाक उड़ाती हैं। रात में फिर हम जियोंग को देखते हैं जो कि न्यूल की बातों के बारे में सोच रहा था। तभी वो उसे मैसेज करके कार्ड्स खेलने के लिए बुलाता है, जिसे उसे लगता है कि शायद उसे फिर से बुरे सपने आ रहे हैं। ये सोचकर वो फटाफट से भागती हुई ऊपर आ जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जियोंग उसे सिर्फ हैंग आउट करने के लिए बुला रहा था तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये देखकर जियोंग उसे बता देता है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार है, जिस पर न्यूल बोलती है कि नहीं, उसे इस तरीके से जबरदस्ती जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियोंग बोलता है कि पहले भी मैंने साइकेट्रिस्ट के पास जाने का सोचा था लेकिन मैं इस चीज की हिम्मत नहीं कर पाया और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं वहाँ पर चलूंगा और उसके बाद हम दोनों साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी चलेंगे, इसीलिए वो भी मान जाती है। अब जब न्यूल उसे बाय बोलकर सीढ़ियों से जा रही थी तभी जियोंग अपने फोन की फ्लैश लाइट जला लेता है ताकि न्यूल सीढ़ियों से फिसल ना जाए क्योंकि वहाँ का बल्ब खराब हो गया था, जो देखकर न्यूल के फेस पर स्माइल आ जाती है क्योंकि कोई उसे पहली बार इतने प्यार से ट्रीट कर रहा था। जिसके बाद हम सियोल को देखते हैं जिसका बेटा उसे सुबह सुबह परेशान कर रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो वो जाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो उसे बातें करने लगती है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि सियोल पार्क को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहता है क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है और उसकी नाइट शिफ्ट्स भी लगती है, और वो उसे प्रॉमिस करती है कि अगले संडे को वो चलकर उसके साथ इंसेक्ट पकड़ेगी, जो सुनकर पार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम जियोंग और न्यूल को देखते हैं जो कि साथ में साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में आए हुए थे, जहाँ सेशन खत्म होने के बाद दोनों एक बेंच पर बैठकर अपनी दवाई खाते हैं और जियोंग बोलता है कि किसने सोचा होगा
कि कोरिया के दो टॉप स्टूडेंट्स इस तरीके से एक बेंच पर बैठकर साथ में डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे होंगे। ये सुनकर वो भी हंसने लग जाती है। यहाँ से जाते वक्त रास्ते में न्यूल को एक 500 वॉन का कॉइन मिलता है, जो देखकर वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे आज से पहले कभी भी इस तरीके से कॉइन नहीं मिला था। और वो बच्चों की तरह इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसे सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। ये चीज जब जोंग नोटिस करता है तो उसे शांत करवा कर यहाँ से ले जाता है। इसके बाद ये लोग एक शॉप पर जाकर वापस से गेम खेलने लग जाते हैं, लेकिन इनके पीछे काफी सारे बच्चे खड़े हुए थे जो कि अपने टर्न आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये लोग वहाँ पर खेले ही जा रहे थे। तो न्यूल उन सभी को जाकर पढ़ाई करने के लिए बोलती है, और वो एकदम बच्चों की तरह ही उनसे बहस किए जा रही थी, जिसका ये बिहेवियर देखकर जोंग उसे कैरियोक में लेकर जाता है और बोलता है कि वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे सॉन्ग्स गाऊंगा। फिर कैरियोके में जब जोंग गाना गा रहा था तो न्यूल उसे काफी ध्यान से सुन रही थी, और हर सॉन्ग में उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि जोंग ने उसके लिए गाकर अपना लव कन्फेस कर रहा हो। जिस बारे में घर जाते हुए जोंग से पूछ लेती है, जो जानकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो उसे बोलता है कि वो इतना बड़ा पागल नहीं है कि वो किसी कैरियोक में जाकर इस तरीके से अपने प्यार का इजहार करेगा। जो सुनकर न्यूल वापस से काफी शाय फील करने लगती है, क्योंकि उसका फिर से पोपट हो गया था। अब ये दोनों इसी तरीके से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यून था। ये इन दोनों को ही देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और हमें पता चलता है कि ये उनकी क्लासमेट है जो कि थर्ड रैंक पर आया करती थी, पर उसे तो न्यूल का नाम भी ठीक से याद नहीं था। फिर वो इन दोनों को खींचकर अपने साथ कॉफी पीने के लिए ले जाती है, जहाँ वो बताती है कि वो एक क्लाइंट से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, और क्योंकि न्यूल से उसे जोंग के केस के बारे में भी पता था, तो वो उसे बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इनोसेंट हो, इसीलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जोंग उसे क्लासमेट कहकर एड्रेस करता है, तो वो बोलती है कि हम दोनों सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। जो सुनकर न्यूल जोंग को घूर घूर कर देखे जा रही थी, और बेचारा जोंग सोच रहा था कि आखिर ये सब कब हुआ। इस पर वो उसे बताती है कि जब लंच के टाइम में वो ड्यूटी पर था, तब उसने उसे खाने में एक्स्ट्रा सॉसेज दिए थे, और एग्जाम के टाइम पर अपना इरेजर भी दिया था, जबकि वो किसी को ऐसे ट्रीट नहीं करता था। ये जानने के बाद न्यूल तिरछी नजरों से जोंग को देखे जा रही थी, और वो उसे एक लात भी मारती है, पर बेचारे जोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कब। तो वो उसे एक और इंसिडेंट के बारे में बताती है कि जब कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, जो कि उसकी स्कर्ट की फोटो खींचना चाहते थे, तभी जोंग ने आकर उन लोगों को बहुत मारा, लेकिन उस बेचारे को एक भी इंसिडेंट याद नहीं था, और वो न्यूल के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। इसलिए वो अपने हाथ में देखकर बोलता है कि हमें अब चलना चाहिए, जबकि उसने हाथ में घड़ी भी नहीं पहनी हुई थी। फिर वो बिल पे करके आता है, जहाँ यून न्यूल से बोलती है कि जोंग ने अभी तक अपना नंबर तो चेंज नहीं किया होगा ना। जो सुनकर न्यूल स्माइल करने लग जाती है, जबकि उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। जाने से पहले यून जोंग का हाथ पकड़ती है और उसके ट्रायल के लिए उसे विशेष देती है, और इन दोनों के बीच में कलेश मचाकर यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद न्यूल तो जोंग पर बुरी तरीके से भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे तो कभी स्कूल में अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तुम उसे खाने में सॉसेज देते थे और मुझे तो ठूस ठूस कर बेल पेपर देते थे। लेकिन बेचारे जोंग को कुछ भी याद नहीं था, तो न्यूल जेलेसे में उसे हिट करके यहाँ से चली जाती है। फिर घर पहुँच कर न्यूल सोच रही थी कि कितनी अजीब बात है ना, मैं अपनी पुरानी क्लासमेट के सामने ये सोचकर एम्बेरस नहीं हुई कि मेरे पास जॉब नहीं है, बल्कि मैं उससे जेलस हो रही थी। इधर हम जोंग को देखते हैं, जो कि उनके बताए हुए इंसिडेंट को याद करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से सीना पास्ट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस दिन जोंग की लंच में ड्यूटी लगी हुई थी, उस वक्त वो सभी लोगों को उनकी पसंद का खाना नहीं दे रहा था। तभी उसके सामने न्यूल आती है, तो वो जानबूझकर उसकी प्लेट में काफी सारे बेल पेपर्स डाल देता है। उसका ध्यान अभी भी न्यूल पर था, तभी उसके सामने यून आ जाती है और गलती से उसकी प्लेट में काफी सारे सॉसेज चले जाते हैं, लेकिन उसने कुछ और ही समझ लिया था। ऐसे एक बार जब इन लोगों का एग्जाम हो रहा था, तभी न्यूल अपना इरेजर लाना भूल गई थी, जिसे देखकर जोंग बोलता है कि मैं तुम्हें इरेजर देता हूँ, और फिर उसे काटने की एक्टिंग करता है, और वो उसे यहाँ पर परेशान करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा पीस देने लगता है, जिसे न्यून नहीं लेती। और जब यून जोंग से इरेजर मांगती है, तो वो उसे अपनी पूरी इरेजर पकड़ा देता है। जो सब याद करके जोंग सोचने लग जाते हैं कि यार, मैं तो जिन लोगों से बात ही नहीं करता था उनको देखता भी नहीं था, तो आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके रूम के बाहर कोई है, लेकिन उसके देखने से पहले वो पर्सन यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब न्यूल उठती है, तो वो टीवी में जोंग के केस के बारे में देख रही थी, तभी वहाँ पर यून आकर उसे अपनी कहानी बताने लग जाता है कि कैसे एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो लड़की एक और लड़की की बेस्ट फ्रेंड है जिसे वो हाई स्कूल में पसंद किया करता था। तो इस बात से जो उसकी अभी वाली गर्लफ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही है, और वो उसे सुनाने लग जाता है कि कैसे वो लड़की बिल्कुल ही बेकार है, उस लड़की को मैं हाई स्कूल में पसंद करता था, वो अभी मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, जिस बात की वजह से बेकार में उसकी गर्लफ्रेंड जेलस हो रही है। ये सोचकर न्यूल को भी रियलाइज होता है कि वो बेकार में ही जोंग के ऊपर गुस्सा कर रही थी। अब जैसे ही जोंग अपने रेस्टोरेंट में जाती है, तभी वहाँ पर कुछ कस्टमर्स गुस्सा करके जा रहे थे। उसकी मॉम और ताई से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो कस्टमर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कि हमेशा उनके रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन आज उनके खाने में क्यूकम्बर थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर चले गए।
मॉम बोलती है कि खाने में कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा हो जाती है तो कभी कम। इस वजह से उन्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने ताए को हिट भी किया कि शायद जोंग ने भी गलती से उस लड़की को खाना ज्यादा दे दिया होगा और बेकार में उसने उसे कल हिट किया। इसीलिए वो ताए से डंपलिंग्स बनवाकर जोंग को देने के लिए जाती है ताकि वो इस तरीके से उसे कल के लिए माफी मांग सके। वो छत पर जाकर उसे डंपलिंग्स देने की प्रैक्टिस करने लगती है पर तभी पीछे से जोंग आ जाता है जिसे नियुल को ऐसे देखकर उस पर हंसी आ रही थी और वो उसे यहाँ पर माफ भी कर देता है। यहाँ से फिर हम सियुल को देखते हैं जो कि कांग के साथ एक कॉफी शॉप पर मिलती है जहाँ पर वो उससे पूछते कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तो वो उसे अपनी YouTube चैनल के बारे में बताते हैं, साथ ही ये भी कि उसे सियुल ने सब्सक्राइब किया था। ये जानकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसने किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से उस वक्त उसका चैनल सब्सक्राइब कर दिया था, इसलिए वो उसके सामने उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देती है। फिर जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो सियुल उसे बोलती है कि जैसे वीडियोस तुम बनाते हो वो सब मैं नहीं देखती हूँ और चिंता मत करो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाएंगे, जिस पर कांग बोलते हैं कि हाँ वैसे भी मैं जोंग को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सुनकर वो उसे बोलती है कि तुम दोनों ही प्लास्टिक सर्जन हो ना और तुम भला उसे कैसे जानते हो, जिस पर वो बताता है कि वो दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। लेकिन वो यहाँ पर जोंग की बेइज्जती करने लग जाती है कि वो एक बुरा इंसान है और एक तो उसके ऊपर केस चल रहा है, फिर वो लड़कियों से फ्लर्ट करने में बिजी है, जो जानकर कांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जोंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, जिस वजह से इन दोनों की बहस होने लगती है। तभी अचानक से कांग के सर पर एक ड्रैगन फ्लाई आकर बैठ जाती है, जो देखकर सियुल तुरंत एक जार से उसके सर ढक देती है ताकि वो ड्रैगन फ्लाई कहीं भाग ना जाए। अब क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए इंसेक्ट पकड़ना था, इसीलिए वो इसी तरीके से उसे एक स्टेशनरी तक चलने के लिए बोलती है ताकि वो वहां पर जाकर इस जार को कवर कर सके, और क्योंकि कांग के पास और कोई रास्ता नहीं था इसीलिए उसे भी जाना पड़ता है। वही हम नियुल और जोंग को साथ में डंपलिंग्स खाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो उसे बियर के साथ एंजॉय कर रहे थे। बातों में नियुल उसे बता देती है कि कल वो यून की वजह से जेलस थी और वो पहली बार ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रही है। तभी जोंग उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर नियुल हैरान हो जाते हैं और उसके हाथ से डंपलिंग गिर जाता है। जोंग उसे बोलता है कि सिर्फ उसी की वजह से वो इतने टफ टाइम को भी अच्छे से जी रहा है और वो उसके लिए एक ड्रग की तरह है, इसीलिए उसने शुरू में साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसके साथ ही उसे काफी अच्छा लगता था और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो अच्छे से उससे अपना लव कन्फेस करेगा। ये बोलकर वो उसके सर पर हाथ रखता है, जो देखकर नियुल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सीन अभी यहाँ से पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ पर उन्हें उस मास्क मैन की फोटो मिल गई थी जो कि जोंग के घर में घुसा था, पर क्योंकि उसने मास्क और कैप वगैरह पहनी हुई थी इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला था। सीन अब वापस से जोंग और नियुल पर आता है जो कि घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर जोंग उसे बोलता है कि मेरे और यून के बीच में कभी भी कुछ नहीं था, तो नियुल बोलती है कि जो भी हो लेकिन तुमने जो उन लड़कों को सबक सिखाया जो कि उसे परेशान कर रहे थे वो बहुत ही अच्छा हुआ। जोंग बोलता है कि आखिर वो लोग उसकी फोटोज क्यों लेना चाहते थे, तो नियुल बोलती है कि जरूर वो उसे परेशान करना चाहते होंगे या फिर कुछ देखना चाहते होंगे। ये सुनकर जोंग के दिमाग में क्लिक करता है और वो उसे बताने लग जाता है कि उसके क्लिनिक में भी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब इससे पहले कि वो उसे पूरी बात बता पाता तभी वहां पर मिन आ जाता है। अब मिन को यहाँ पर देखकर नियुल को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन दोनों को बात करने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर मिन और जोंग भी एक कैफे में बात करने के लिए जाते हैं जहाँ पर मिन उसे पिछली बार रूड होने के लिए सॉरी बोलता है, पर जोंग बोलता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था सही बोला था कि मुझे अभी इतने ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। सीन अब यहाँ से नियुल पर आता है जो कि छत पर जोंग के आने का वेट कर रही थी, वो उसे मैसेज करने ही वाली थी। तभी वो जोंग के घर का दरवाजा खुला हुआ देखती है, जो देखकर वो उसके घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर खिड़की खुली होने की वजह से सारे पेपर्स उड़ गए थे, तो वो खिड़की बंद करके सभी पेपर्स को अलाइन करने लगती है जहाँ पर उसे एक हिडन कैमरा मिलता है और यहाँ हम किसी को नियुल की तरफ बढ़ता हुआ देख पाते हैं। सीन अब यहाँ पर कट होकर जोंग पर आता है जो कि वापस से घर की तरफ आ रहा था, तभी कोई उसका पीछा कर जो चीज जब जोंग को रियलाइज होती है तो वो पीछे मुड़ता है, लेकिन तब तक वहां पर कोई भी नहीं था। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो वो पर्सन फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन इस बार जोंग उसे पकड़ लेता है और उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो इंसान भाग जाता है। लेकिन जोंग किस तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जो उनके बीच थोड़ी हाथापाई भी होती है और उस बंदे के पास से एक हिडन कैमरा गिर जाता है। ये देखकर जोंग उसे पकड़ लेता है और देखने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये है कौन, लेकिन वो पर्सन जोंग के सर पर एक बॉटल से वार करके वहां से भाग जाता है। जोंग के सर से खून निकल रहा था और वो उस आदमी को भागते हुए देखते रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड अभी यहीं पर खत्म होता है।
एपिसोड की शुरुआत जियोंग की स्कूल टाइम को दिखाने से होती है, जहाँ पर सभी बच्चे अपनी टीचर के कहने पर बीन स्प्राउट उगा रहे थे। सभी बच्चों के स्प्राउट्स काफी अच्छे से उग गए थे, लेकिन एक जियोंग था जिसका स्प्राउट नहीं उगा था, जिस वजह से वो थोड़ा सैड था। पर तभी उसकी टीचर आकर उसे कम्फर्ट करती है और बोलते है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बीन स्प्राउट भी जल्दी उग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जियोंग अपने स्प्राउट का काफी अच्छे से ख्याल रखता है, उसे पानी देता है और सनलाइट में भी रखता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसका स्प्राउट नहीं उग पाता। वो याद करता है कि उसकी लाइफ पहली बार था जब उसे फेलियर से गुजरना पड़ा था। तभी उसने लोगों के सामने काफी स्ट्रांग रहने का प्रिटेंड किया था कि वो बिल्कुल भी उदास नहीं है, लेकिन फिर वो रोते हुए अपने घर जाता है। यहाँ से सीन अब सीधा उस दिन का आता है जब जियोंग स्कूल में पहली बार सेकंड आया था हानिल की वजह से। वो जैसे ही अपनी मॉम को रिजल्ट दिखाता है तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करके अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलती है। असल में उनका मानना था कि खुशी केवल कामयाबी से ही मिलती है और एक नाकामयाब इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता था, इसीलिए जियोंग पर भी हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था पढ़ाई का। जियोंग बताता है कि जब भी उसकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा खुश रहता है तभी कहीं ना कहीं से दुख आ ही जाते हैं, जैसे कि वो अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहा था, उसका क्लिनिक वगैरह सब कुछ था, लेकिन एकदम से सब कुछ बर्बाद हो गया और वो कहां से कहां पहुंच गया। और कुछ चीजें हमारी लाइफ में हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती, पर इस सब डिफिकल्ट टाइम में भी उसने ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। और अब उसे डर है कि पता नहीं सब कुछ वापस से ठीक हो भी पाएगा या फिर नहीं। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जियोंग उस बंदे के पीछे भाग रहा था, तभी एक गाड़ी आकर उस पर्सन को हिट कर देती है, लेकिन वो पर्सन फिर भी वहाँ से भाग जाता है और जियोंग उसे पकड़ नहीं पाता। इसी बीच हम हानुल को देखते हैं जो कि जियोंग के घर में उस स्पाई कैमरा को देखती है, तभी उसकी तरफ कोई बढ़ने लगता है और ये युन था जो कि उसे ढूंढने के लिए आया था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तभी युन उसके हाथ में उस स्पाई कैमरा को नोटिस करता है, जिसे जब न्यूल देखती है तो उसे याद आता है कि जियोंग उसे बता रहा था कि कैसे हो कि वो इसके क्लिनिक में छुपकर रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसीलिए वो फटाफट से उसे ये बात बताने के लिए कॉल करती है। सीन अब यहाँ से जियोंग पर आता है जो कि पुलिस स्टेशन में था। वहाँ पर वो उन्हें सारी चीजें बता देता है कि कैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। पुलिस भी जब उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो वही पर्सन है जो कि उसके घर में घुसा था, पर क्योंकि उस पर्सन ने मास्क वगैरह सब कुछ पहना हुआ था इसलिए उसकी पहचान कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इतने में यहाँ पर न्यूल वो स्पाई कैमरा लेकर आ जाती है और उसे बताती है कि ये उसे उसके घर से मिला, जो देखकर जियोंग काफी ज्यादा हैरान होता है। पर जब पुलिस वाले उस कैमरा को चेक करते हैं तो उस पर पानी गिरने की वजह से वो खराब हो गया था। ये जानकर जियोंग उदास होकर न्यूल के साथ जाने लगता है। न्यूल भी यही सोच रही थी कि आखिर ये कौन होगा, पर तभी वो जियोंग के सर से खून बहता हुआ देखती है क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी, जो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जियोंग की ड्रेसिंग करवाने के बाद न्यूल वहाँ पर काफी जोर जोर से रोने लग जाती है, जिसे ऐसे देखकर जियोंग भी हैरान था। न्यूल बोलती है कि मुझे तो सिर्फ यही लगा था कि सर्जरी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, लेकिन ये सब कैमरा देखकर उसे रियलाइज हुआ कि कोई जियोंग को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई उसका करियर बर्बाद कर सके, और ये सब कुछ जियोंग अकेले सह रहा था। ये सब बोलते हुए वो जियोंग को हक करके रोने लग जाती है और वो भी उसे देखता रहता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जियोंग अब शांत हो गई थी, जहाँ वो जियोंग से बोलती है कि शायद डिप्रेशन की वजह से मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, इसी वजह से मैं इतनी जोर जोर से रो रही थी, और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है जो कि ये सब कर सकता है। तभी जियोंग भी यहाँ पर उस पर्सन का नाम लेता है जो कि उसके क्लिनिक में काम करता था और वो कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए नहीं आया। इस पर न्यूल उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, जो भी सच्चाई है वो कभी न कभी सभी के सामने आ जाएगी। जो सुनकर जियोंग उसे बोलता है कि तुम्हें फिल्मी लाइन्स कहाँ से बोलती हो कि तुमने बहुत सारी मूवीज देखी है, तो न्यूल उसे बताती है कि मैंने मूवीज देखी ही नहीं है और मैं चाहती हूँ कि कभी मैं थिएटर में कोई अच्छी सी मूवी देखने जाऊँ, वो भी उस पर्सन के साथ जिसे मैं पसंद करती हूँ, और हम दोनों साथ में पॉपकॉर्न खाएं। ये बोलकर वो आगे चली जाती है और जियोंग स्माइल करने लगता है। अगले दिन हम किम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठकर आज की न्यूज देख रहा था क्योंकि आज जियोंग का ट्रायल होने वाला था। तभी वहाँ पर सियोल आकर उसे बातें करने लग जाती है और उसे ड्रैगन फ्लाई देने के लिए थैंक्स बोलती है। वो उसे यहाँ पर बताती है कि उसका बेटा वीकडेज में उसकी मॉम और दो आंटीज के साथ रहता है, वहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़कर उसे देने के लिए गई थी ताकि वो उसके साथ खेलकर अपना टाइम स्पेंड कर सके। जाने से पहले वो उसे फिर से थैंक्स बोलती है और कहती है कि अगर उसे फिर से और कोई इंसेक्ट मिले तो वो उसे पकड़कर दे सकता है। ये बोलकर चली जाती है और किम उसे देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर किम की असिस्टेंट डो आती है जो कि किम से मजाक कर रही थी कि वो सियोल से क्या बातें कर रहा था, जिन्हें इस तरीके से मस्ती करते हुए सियोल भी बहुत ध्यान से देख रही थी। सीन अब यहाँ से न्यूल की मॉम वांग पर आता है जो कि अपने घर के अंदर आयरन को ढूंढ रही थी। वो उन्हें पूरा घर ढूंढने पर कहीं पर भी नहीं मिलती तो उन्हें उन पर शक होने लग जाता है कि जरूर उसी से गलती से आयरन टूट गई होगी, जिसके बाद उसने उसे फेंक दिया होगा, इसलिए वो उनको पीटने लग जाती है। पर वो कहता है कि उसने आयरन नहीं लिया।
इधर हम न्यूल को देखते हैं जो कि आयरन और खाना लेकर जोंग के पास जाती है, जहाँ वो सीधा जोंग को अपनी शर्ट उतारने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि पिछले हियरिंग में तुमने बिना प्रेस करे हुए शर्ट पहनी हुई थी, इसमें तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए लाओ शर्ट उतार के दो, मुझे इसे प्रेस करना है। जिसे इस तरीके से देखकर वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाते और बोलते है कि ये मैं खुद कर लूंगा, तो वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। सीना भी यहाँ से वापस से वांग पर आता है, जिन्हें जब पता चलता है कि उन्होंने जो खाना प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो भी घर से गायब है, तो उन्हें लग रहा था कि यून ने खाना अपनी गर्लफ्रेंड को दिया होगा, इसलिए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाती है। दूसरी तरफ न्यूल वो सारा खाना जोंग के लिए लेकर गई हुई थी, जिसे वो टेबल पर सजा देती है। अब जैसे ही जोंग शर्ट पहनकर बाहर आता है तो न्यूल उसे बोलती है कि देखो अब तुम कितने अच्छे लग रहे हो और कॉन्फिडेंट भी। फिर वो उसकी टाई को ठीक करने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज देखकर थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और न्यूल फिर उसे खाना खाने के लिए बोलती है। जब जोंग नहीं मान रहा था तो वो उसे जबरदस्ती बैठा देती है और बोलती है कि खाना खाने के बाद मैं अभी तुम्हारे साथ कोर्ट की हियरिंग में चलूंगी, जिस पर जोंग उसे साफ साफ मना कर देता है। पर वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं अभी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्या पता वो पर्सन तुम्हें फिर से फॉलो करे। तो लेकिन जोंग नहीं मान रहा था तो न्यूल उसे रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बोलती है, जिसमें न्यूल जीत जाती है और वो तैयार होने के लिए नीचे चली जाती है। जहाँ जब वो मॉम को यून को पीटते हुए देखती है तो वो पूछने लग जाती है कि क्या बात है। इस पर मॉम बताती है कि उसने घर से खाना और आयरन चुराया है। ये सुनकर न्यूल काफी नर्वस हो जाती है। यून मॉम से बोलते है कि आप न्यूल से क्यों नहीं पूछती हो, ये भी तो ये चीजें ले सकती है ना। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि न्यूल तुम्हारी तरह नहीं है, वो इतनी ज्यादा अच्छी है, हमेशा स्कूल के अंदर टॉप करती थी, तो भला वो ये सब चीजें क्यों करेगी। इस पर यून कहता है कि हाँ वो ये कर सकती है, क्या पता वो प्यार में अंधी हो गई हो, क्योंकि आज मिस्टर रूफटॉप यानी कि जियोंग की कोर्ट हियरिंग है, तो वो जरूर आयरन उसकी शर्ट को प्रेस करने के लिए ले गई होगी और खाना उसको खिलाने के लिए। जो बात सुनकर मॉम भी न्यूल की तरफ देखने लग जाती है, पर न्यूल उन सभी के सामने झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं मैंने ये सब कुछ भी नहीं लिया है, और फिर फटाफट से अपने रूम के अंदर चली जाती है, जिससे मॉम को भी यकीन हो जाता है कि ये सब जरूर यून ने किया होगा, इसलिए वो उसे वापस से पीटना शुरू कर देती है। न्यूल अब जैसे ही तैयार होकर दरवाजा खोलती है तो वहां पर यून खड़ा हुआ था, जो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये वो सब कुछ जियोंग के लिए लेकर गई थी, और अगर ऐसा नहीं है तो अभी मैं ऊपर जाकर चेक करता हूँ। ये सुनकर न्यूल उसे फटाफट से अपने रूम के अंदर खींच लेती है और उसे इस बात को छुपाने के लिए 50,000 वॉन देने की बात कहती है, तो वो भी मान जाता है। फिर वो उसे उस स्पाई कैमरा के बारे में पूछता है जो कि जियोंग के घर में मिला था। इस पर वो बता देती है कि वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें उसके अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई, और वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने जियोंग को किसी का पीछा करते हुए देखा है। इस पर वो उसे बता देता है कि जिस दिन जोंग यहाँ पर मूव हुआ था उसी दिन उसके घर पर उसने किसी को जाते हुए देखा था, लेकिन उसे लगा कि जरूर उसे कोई मिलने के लिए आया होगा, इसलिए उसने इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताया। यून बोलता है कि कहीं कोई गुंडे वगैरह तो नहीं है जो कि कोर्ट के बाहर ही उसे मार पीट कर ये मामला सॉल्व करना चाहते हो, जिसकी ऐसी बातें सुनकर जोंग उसे यहाँ से भगा देती। न्यूल फटाफट से जोंग को कॉल करती है जो कि नीचे ही उसका वेट कर रहा था। न्यूल उसे बताती है कि जिस दिन तुम यहाँ पर मूव हुए थे उस दिन यून ने किसी को तुम्हारा पीछा करते हुए देखा था, जो सुनकर जोंग हैरान हो जाता है। उसे लग रहा था कि वो जरूर कांग होगा, इसलिए वो उसे कॉल लगाता है, पर तभी वो अपने सामने एक कार को नोटिस करता है। इसके बाद न्यूल जैसे ही नीचे आती है तो उसे जोंग तो यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन उसका फोन वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कहाँ होगा। फिर हम यहाँ से कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जोंग अभी तक भी नहीं पहुंचा था। उसका लॉयर उसे कॉल भी करता है लेकिन जोंग के पास तो उसका फोन था ही नहीं। अब जैसे हियरिंग स्टार्ट होने वाली थी तभी वहां पर न्यूल पहुंच जाती है, जिसे लग रहा था कि शायद जोंग अकेले यहाँ पर आ गया होगा, लेकिन वो वहां पर नहीं था, जो देखकर वो काफी हैरान थी कि आखिर वो गया कहाँ पर होगा। लॉयर अब यहाँ पर हियरिंग को कैंसिल करने के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन तभी जोंग वहां पर पहुंच जाता है जो कि अपने साथ एक पेन ड्राइव में एविडेंस लेकर आया था, जिसे सही सलामत देखकर न्यूल की जान में जान आती है। जज फिर उस एविडेंस को देखकर वहां पर बैठे एक पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए बोल देते हैं, और यहाँ में पता चलता है कि ये पर्सन उस लेडी का अंकल है जिसकी मौत हुई है। असल में जिस लेडी की मौत हुई उसके डैड काफी सारे कसीनो के मालिक थे, उनके मरने के बाद उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम ट्रांसफर कर दी, जो चीज उसके अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहता था, इसलिए उसने गुस्से और जलेसी में उस लेडी को मरवा दिया। सीना भी यहाँ से थोड़ी देर पहले का आता है। जैसे ही जोंग उस कार के पास पहुंचता है तभी वो देखता है कि उसके अंदर तो कांग है। वो उसे गाड़ी का शीशा नीचे करने के लिए बोलता है ताकि वो उसे बात कर सके, लेकिन कांग उसे देखकर काफी डर गया था और अपनी कार ड्राइव करने लग जाता है, जिसका पीछा करते वक्त जोंग का फोन वहीं पर गिर जाता है और कांग के सामने अचानक से एक बाइक वाला आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी ठुक जाती है और जोंग उसे पकड़ लेता है। तभी कांग उसे एक पेन ड्राइव में एविडेंस देता है, जिसके बाद जोंग उसे लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है।
जहाँ पर पुलिस उस पेन ड्राइव को देखती है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि जिसने उस लेडी की सर्जरी थी उसे एक दिन पहले रात में कुछ लोग सर्जरी रूम के अंदर आए थे, जहाँ पर उन्होंने बॉटल में रखी हुई दवाया चेंज कर दी थी। साथ ही जानबूझकर हेपरिन की बॉटल भी डस्टबिन में छोड़ दी थी। जो सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई थी। इसके बाद हम पुलिस को कांग से पूछताछ करते हुए देखते हैं कि आखिर उसने हर जगह पर क्लिनिक में कैमरास क्यों लगाए हुए थे। तब वो एक इंसिडेंट के बारे में बताता है कि एक बार जब वो ऑपरेशन थिएटर में था, तभी वो तो अपना काम सही कर रहा था, लेकिन उसके सीनियर ने गलती कर दी जिसकी वजह से उस पेशेंट की जान चली गई। पर उसके सीनियर ने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया, जिसकी वजह से उसे काफी कुछ सहना पड़ा। तभी से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जहां भी काम करेगा अपने लिए हमेशा एविडेंस इकट्ठा करके रखेगा, ताकि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। यही वजह थी कि जब वो जियोंग क्लिनिक में आया, तभी वो हर जगह पर कैमरा सेट करने लगा, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई चीज है तो उसके अंदर उसका नाम सामने ना आ पाए। और जैसे ही क्लिनिक के अंदर वो इंसिडेंट हुआ, तो कांग के लगाए हुए कैमरा के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। वो जियोंग को हमेशा सही सच्चाई बताना चाहता था, इसलिए उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो इस चीज की हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए वो जियोंग के घर में जाकर उस पेन के अंदर एविडेंस को रख देता है, ताकि जियोंग उसे देख सके। लेकिन उस दिन युन वहां पर आकर कमरे के अंदर जब ब्लैंकेट रखता है, तो उसे गलती से वो पेन नीचे गिर जाता है। इसी वजह से किसी को भी वो नहीं मिल पाया, और बारिश में भीगने की वजह से उसके अंदर की फुटेज भी खराब हो गई। लेकिन आखिर भी उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी करके जियोंग को सच्चाई बता कर ही रहेगा। इसलिए वो हियरिंग के दिन उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था, ताकि वो उसे सच्चाई बता सके। सेनप यहाँ से जियोंग पर आता है, जो कि अपसेट होकर एक जगह पर बैठा हुआ था, जहाँ न्योल उसे दूर से देख रही थी और सोचती है कि इस सब के अंदर जियोंग की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इतनी बड़ी सजा मिली और उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो किसको ब्लेम करे। अब शायद उसे कुछ दिन लगेंगे इस सबसे रिकवर होने में। अगले दिन हम देखते हैं कि जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि जियोंग निर्दोष है, तो कुछ न्यूज वाले जो कि पहले उसे बदनाम कर रहे थे, अब वो उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, और वो सभी लोग जिन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया था, वो सब उससे फिर से बात करना चाहते थे। उसके पुराने दोस्त भी उसे वापस से मैसेज करते हैं, और उसकी मॉम भी उसे फोन करके बोलती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, मुझे पता था कि तुम इनोसेंट हो, इसलिए अब रिपोर्टर से बात करके ये सब कुछ रफा दफा कर दो। उन्होंने भी इस मुश्किल वक्त में जियोंग को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब वो उसे ये सारी बातें बोल रही थी कॉल करके। इसके बाद हम न्योल को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उससे जियोंग के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि जियोंग अभी कैसा है, वो 3 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकला है। वैसे तो उसने तुम्हें चेक किया था, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसको इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। न्योल बोलती है कि अभी हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ताकि वो इस सबसे रिकवर कर सके, ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो जियोंग को मैसेज करने के बहाने सोच रही थी कि आखिर वो उसे कैसे बात करे, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि उन्होंने जो छत पर कैबेज के पौधे लगाए हुए हैं, उसमें उसने काफी दिनों से पानी नहीं डाला है, इसी बहाने वो छत पर पानी डालने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम और यून पहले से ही बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी जियोंग की फिक्र थी और वो चाहते थे कि वो उनके साथ खाना एंजॉय करें, ताकि उसे थोड़ा बेटर फील हो सके। मॉम यहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचाने लग जाती है, ताकि जियोंग उनकी आवाज सुनकर बाहर आए, जिन्हें ऐसा करने से न्योल रोकती भी है। तभी वहाँ पर अंकल ताई भी आ जाते हैं, और यून अब सीधा जाकर जियोंग को उसके रूम से बाहर ले आता है, जहाँ मॉम तो बहाना करने लग जाती है कि हमारे पास ना बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना है, इसीलिए चलो इसे खाने में हमारी मदद करो, क्योंकि खाना वेस्ट करना बुरी बात है ना। वो लोग फिर उसे अपने साथ में वाइन पिलाते हैं और काफी अच्छे से खाना भी खिलाते हैं। मॉम बोलती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब सारी सच्चाई सभी के सामने आ गई है, तो तुम्हें इस सबसे आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच हम किम को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को कॉल करता है, क्योंकि सुहेल की बातें सुनकर उसे भी लग रहा था कि उसे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसलिए वो किम से ठीक से बात नहीं करती और कॉल कट कर देती है। वो अभी स्टोर में जाकर अपने लिए बियर खरीदता है और उसके लिए पे करने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर सुहेल पहुँच जाती है, जो कि अपने सामान के साथ उसकी भी पेमेंट करने के लिए बोल देती है। ये दोनों अब साथ में एक पार्क के अंदर ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो सुहेल को अपनी बेटी के बारे में बताता है और बोलता है कि मेरी बेटी को मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी बीच वो जियोंग की बात भी करने लग जाता है कि उसे बहुत ही खुशी है कि वो केस जीत गया और वो इनोसेंट है। इस पर सुहेल बोलती है कि अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो तुम्हें उसे जरूर से कॉल करना चाहिए, क्या पता तुमसे बात करके उसे भी अच्छा लगे। पहले तो किम मना कर देता है, लेकिन सुहेल के बोलने पर वो कॉल करता है। दूसरी तरफ जब जियोंग बाकी सभी लोगों के साथ में बैठा हुआ था, तभी उसे किम का कॉल आता है, जिसका फोन आते हुए देखकर वांग बोलती है कि जब तुम्हारा केस चल रहा था क्या इस बंदे ने कभी तुम्हें कॉल किया। इस पर वो मना कर देता है और वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, इससे पहले ही वांग उसका फोन उठा लेती है, जहाँ पर वो बोलती है कि जब जियोंग को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने उसे फोन नहीं किया, और अब उसकी लाइफ में जब सब कुछ फिर से ठीक होने लगा है तब तुम उसे कॉल कर रहे हो। आज के बाद उसे फोन मत करना, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी, ये बोलकर कॉल कट कर देती है।
जो देखकर किम को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ही क्या हो गया। उसने तो जियोंग को कॉल लगाया था और आखिर लेडी कौन थी। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि बेकार में उसे सुनने को मिल गया था। वो सियुल से बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने कॉल लगाया। ये सुनकर वो उठकर जाने लग जाती है तो किम भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसे वो ड्रैगन फ्लाई वापस मांगता है जो कि उसने उसे दी थी। इधर जियोंग को वांग बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी ऐसे लोग हो ना उनके साथ ठीक ऐसे ही बिहेव करना जैसे कि मैंने अभी इस बंदे के साथ किया। और मैं वैसे तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि मेरी बेटी जो कि डिप्रेशन से गुजर रही है उसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तुम भी किस चीज से गुजर रहे हो। जिनकी ये बातें सुनकर जियोंग को काफी कम्फर्ट फील होता है। लेकिन अब सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक हो गए थे और न्यूल की फैमिली की पागलपंती बढ़ती जा रही थी, इसलिए न्यूल जियोंग को यहाँ से लेकर चली जाती है जहाँ पर वो उसे अपनी फैमिली के ऐसे बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। लेकिन जियोंग बोलता है कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी अकेले नहीं रहना चाहता था। तो न्यूल बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। अब जियोंग उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है जिसके हाँ बोलने पर दोनों साथ में एक जगह ड्रिंक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर जियोंग उसे बताने लग जाता है अपनी लाइफ के बारे में कि उसे हमेशा जो भी मिला वो उसके लिए ग्रेटफुल रहा क्योंकि लोगों के पास इतना भी नहीं होता, पर उसे अपनी लाइफ में हमेशा से एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि मुझ में बिलीव करे। वो न्यूल को बोलता है कि वो पर्सन तुम हो, इतना सब कुछ गंवाने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम मिले, जो सुनकर वो हैरान थी। साथ ही वो यहाँ पर उसे आई लाइक यू भी बोलता है। अब जियोंग काफी ज्यादा ड्रंक हो गया था तो वो उसे यहाँ से लेकर घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में जियोंग को एक क्लॉ मशीन दिखती है तो वो उसमें से न्यूल के लिए टेडी जीतने की कोशिश करता है जहाँ वो बच्चों की तरह बार बार उसे आई लाइक यू बोले जा रहा था। फिर दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो उसे बार बार आई लाइक यू बोले जा रहा था। फिर दोनों एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं और मून को देखने लगते हैं जहाँ पर जियोंग मून को देखकर जोर से विश मांगता है कि मेरी प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब न्यूल बहुत ज्यादा खुश रहे, जिसे इस तरीके से देखकर न्यूल भी हंसने लग जाती है। जियोंग बोलता है कि तुम ना मेरी बीन स्प्राउट हो जिसे मैं ब्लूम करता हुआ देखना चाहता हूँ। फिर वो न्यूल से उसका हाथ पकड़ने की परमिशन मांगता है। जब वो हाँ बोलती है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ ही बैठ जाता है और उसे वापस से आई लव यू बोलता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो, जो सुनकर न्यूल उसे सिर्फ देखती रह जाती है और अपने मन में बोलती है कि आज उसने मुझे इतनी बार आई लव यू बोला, जिससे साफ पता चलता है कि जियोंग अपनी लाइफ में कितना ज्यादा अकेला रहा है, इसलिए उसके लिए उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है। पर फिर ये दोनों साथ में मून को देखने लगते हैं। इसके बाद हम न्यूल और यून के पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर यून हमें नरेशन से बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। न्यूल का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में हो गया था जहाँ पर वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन यून जो था वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो कम मार्क्स में बहुत ही ज्यादा खुश रहता था। यून काफी सारी लड़कियों को डेट वगैरह भी करता था लेकिन न्यूल उसको एकदम अपोजिट थी। उसे डेटिंग वगैरह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि ये सब करने से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती, और वो ऐसी लड़की थी जिसे लड़कों को देखकर नहीं बल्कि बुक्स को देखकर खुशी मिलती थी। प्रेजेंट में यून जब न्यूल को देखता है तो बोलता है कि जैसा कभी मैं पहले बिहेव करता था जब मैं रिलेशनशिप में होता था, वैसा ही आजकल मुझे न्यूल में दिखाई दे रहा है, जो कि फोन में मैसेज करते हुए काफी स्माइल कर रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि वो जरूर किसी के प्यार में है। जो चीज कंफर्म करने के लिए वो न्यूल के रूम में जाता है जहाँ पर वो उसका पर्स चुराने की एक्टिंग करता है, जिसे जब न्यूल अपना पर्स छीनने की कोशिश कर रही थी तभी वो देख लेता है कि उसने एक नोटबुक में आई लाइक यू लिखा हुआ था, उसके साथ में काफी सारे हार्ट्स भी बनाए हुए थे, जिसे उसे कंफर्म हो जाता है कि न्यूल किसी के प्यार में है। उसके जाने के बाद न्यूल सोच रही थी कि कल जियोंग ने मुझे इतनी बार आई लाइक यू बोला और मेरा हाथ भी पकड़ा, तो क्या अब हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ नशे में होने की वजह से हुआ था। यही सब सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो सबसे पहले वांग के पास जाती है जहाँ वो अपनी मॉम से बोलने लगती है कि वो ना ह्यूमन बिहेवियर पर एक डिसर्शन लिख रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने और डैड ने डेट करना कैसे शुरू किया था। तो उसकी मॉम बता देती है कि तुम्हारा डैड हमारे पड़ोस में ही रहते थे और मुझे बार बार खाने पर ले जाया करते थे, ऐसे ही एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तभी से हम लोगों ने डेट करना शुरू कर दिया। ये सुनकर न्यूल बोलती है कि क्या डैड ने कभी आपको ये बोलकर कन्फर्म किया था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। पर वांग बोलती है कि नहीं नहीं हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, अगर हम लोग साथ में घूम रहे हैं हाथ पकड़ रहे तो इसे ही डेटिंग बोलते थे। ये सुनकर न्यूल ताए पास जाती है और उसे बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि एक लड़की के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी, उस लड़की ने उसे काफी बार आई लव यू बोला और उसका हाथ भी पकड़ा, तो क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो भी बोल देते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से तो ये डेटिंग ही हुआ। पर जब उसे पता चलता है कि अंकल ताए का आखिरी रिलेशनशिप 20 साल पहले हुआ करता था तो वो सोचती है कि उसे किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस चाहिए जिसने कि रिसेंटली डेटिंग किया हो। तभी पीछे से यून निकल कर आता है जिसने कि उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो अंकल ताए को बोलता है कि शायद न्यूल अपनी और मिस्टर रूफटॉप की स्टोरी सुना रही है। ये सुनकर न्यूल काफी घबरा जाती है और मना करती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यून उसे बताने लग जाता है कि मेरी नजर में अगर कोई लड़का तुम्हें आई लाइक यू बोले और हाथ पकड़े तो इसे ना फ्लर्टिंग बोलते हैं,
और अगर किसी को डेट करना होता है तो ऑफिशियली बोलना पड़ता है कि अब हम दोनों डेट कर रहे हैं। जो सुनकर न्यूली यहाँ से चली जाती है। वो जोंग से ये चीज कंफर्म करने के लिए उसे छत पर जाकर मैसेज करने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे से आ जाता है, जिसे एकदम से देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तो वो उसे एक ग्लास पानी पिलाने के लिए बोलती है। जोंग उसे अपने घर में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे पानी देता है और बोलता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो। अब वो यहाँ पर इससे पहले कुछ बोलती तभी यहाँ पर यून आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर न्यूल बाथरूम में छुपने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे तो इन दोनों पर पहले से ही शक था, जो कि न्यूल नहीं चाहती थी कंफर्मेशन में बदले, इसलिए वो बाथरूम में जाकर छुप जाती है। जोंग अब जाकर दरवाजा खोलता है तो यून अंदर आकर सीधा उसे बोलने लग जाता है कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, पहले तो तुमने उसे कन्फ्यूज कर दिया था, उसके क्लोज आकर उसे अपना फ्रेंड बना लिया। चलो उस चीज को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब तो सब कुछ सॉल्व हो गया है ना, तो अगर अब तुम उसे पसंद करते हो तो सीधा जाकर उसे बोल दो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और उसे घुमाने के लिए लेकर जाओ अपने साथ में। अंदर वॉशरूम में उसकी ये सारी बातें सुनकर न्यूल बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो काफी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। इस पर जोंग बोल देता है कि हम दोनों फ्लर्ट नहीं कर रहे। तो यून बोलता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो तुमने उसे अपना लव कन्फेस किया और उसका हाथ भी पकड़ा, तो तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से ना वो एकदम पागल सी हो गई, वो सभी लोगों से पूछते फिर रही है कि आखिर ऑफिशियली डेट कैसे करते हैं। जो सुनकर जोंग स्माइल करने लगता है और जोंग बोलता है कि मुझे तो ये लगा था कि कल रात के बाद से हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। अब ये सुनकर तो न्यूल बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी उसे गलती से बाथरूम के अंदर शावर ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर यून जोंग से पूछने लग जाता है कि अंदर कौन है, लेकिन वो उसे बहाना करके यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो सीधा बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ पर न्यूल पूरी भीग गई थी। ये देखकर जोंग उसे बाहर लाकर टावल देता है और बोलता है कि आखिर तुम भीग कैसे गई, पर न्यूल एकदम शांत खड़ी हुई थी और उसे पूछती है कि क्या हम सच में डेट कर रहे हैं, जिस पर वो हाँ बोल देता है। फिर वो उसे अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है। न्यूल अब जैसे ही कपड़े चेंज करके आती है तो वो जोंग से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पर जोंग बोलता है कि हाँ मैं भी। फिर वो उसे एक फ्लावर बुके लाकर देता है। ये देखकर न्यूल काफी ज्यादा खुश होती है, जहाँ पर जोंग उसे अचानक से हक कर लेता है और शाम को उसके साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है, जिस चीज के लिए वो भी मान जाती है। थोड़ी देर बाद न्यूल उन फ्लावर्स को लेकर अपने रूम के अंदर आती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तभी वहाँ पर यून आकर उसे बोलने लग जाता है कि मैंने ना अभी जोंग से बात की और अब वो तुम्हें जरूर डेट पर लेकर जाएगा, जिसके बदले में वो उसे 1,00,000 वॉन मांगता है। जो सुनकर न्यूल उसे पीटने लग जाती है, क्योंकि उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी कि वो उसे किस तरीके से बात कर रहा था और उसे एम्बेरस्ड फील होता है। सीन अब यहाँ से किम पर आता है, जो चेलिफ्ट में जाने वाला था। तभी वहाँ पर सियोल भी आ जाती है, जहाँ वो उसे कल रात के लिए माफी मांगती है कि वो इस तरीके से पार्क से चली गई थी और बोलती है कि मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ कि मेरी वजह से ही तुमने जोंग को फोन लगाया और उसने तुम्हें शायद कुछ सुना दिया जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा। पर किम उसे बताता है कि असल में वो फोन जोंग ने नहीं उठाया था, बल्कि किसी लेडी ने उठाया था, जिसकी आवाज से वो थोड़ी एजेड लग रही थी, पर वो उसकी मॉम नहीं हो सकती क्योंकि उसकी मॉम तो अभी US में है। फिर वो उसे सारी बातें बताता है कि उन्होंने उसे क्या क्या बोला। जो सुनकर सियोल बोलती है कि शायद मैं उस लेडी को जानती हूँ जिसने कि तुमसे बात की थी। इसके बाद हम जोंग को देखते हैं, जो कि न्यूल के आने का वेट कर रहा था। जैसे ही वहाँ पर रेडी होकर आती है तो वो उसे देखने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब जैसे ये दोनों जाने वाले थे तभी यहाँ पर किम भागता हुआ आ जाता है, जो कि सीधा जोंग को गले लगाकर उसे पागलों की तरह बातें करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और तुम यहाँ पर रह रहे हो, जिसे देखकर न्यूल बोलती है कि अरे तुम तो वही हो ना मेरे ब्लाइंड डेट वाले। तो बता देता है कि यार सियोल ने मुझे बताया कि आपके यहाँ पर रेंट पर रह रहा है। ये जानकर जोंग भी हैरान हो जाता है कि यही दोनों ब्लाइंड डेट पर गए थे। लेकिन फिलहाल के लिए किम जोंग से बहुत सारी बातें करना चाहता था, वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए बोल देता है, पर जोंग साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि न्यूल के साथ मेरी डेट है, पर किम न्यूल से परमिशन मांगते हैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए, तो न्यूल हाँ बोलकर चली जाती है और किम जोंग को यहाँ पर काफी जोर से पकड़ लेता है, जिससे वो न्यूल के पास भी नहीं जा पाता, जो कि काफी ज्यादा फनी था। किम अब जोंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करता है। यहाँ पर वो उसे काफी अच्छे से बात कर रहा था। वो बोलता है कि पास में जो कुछ भी हुआ और मैं तुमसे जलता था, वो सब जब मैं आज याद करता हूँ तो मुझे काफी बचकानी हरकतें लगती हैं, और अभी के टाइम पर तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम चल रही थी और वो साथ ही जोंग के जैसे ग्रो नहीं कर पा रहा था। यही सब रीजंस की वजह से वो जोंग के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था। जो सुनकर जोंग उसे माफ कर देता है। फिर दोनों साथ में मजे से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही जोंग घर के बाहर पहुंचता है तो वहां पर उसे न्यूल मिल जाती है, क्योंकि वो उसका डेट पर जाने के लिए वेट कर रही थी। अब जैसे ये दोनों जाने लग जाते हैं तभी जोंग को मिन का फोन आता है। वो उसे अपने साथ मिलने के लिए बोलता है, लेकिन जोंग उसे मिलने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और सीधा कॉल कट कर देता है।
फिर वो न्यूल से बोलता है कि इस बार तुम डिसाइड करो कि हम दोनों डेट पर कहाँ जाएंगे। जो सुनकर न्यूल मान जाती है और जोंग को एक लाइब्रेरी में लेकर जाती है जो कि उसकी फेवरेट जगह थी। यहाँ पर वो उसे एक मेडिकल केस स्टडी पर काम करने के लिए लेकर गई थी क्योंकि उसे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता था, जो देखकर जोंग को काफी अजीब लगता है। पर क्योंकि न्यूल हमेशा से चाहती थी कि वो अपनी डेट ऐसी जगह पर करे, इसलिए वो बेचारा कुछ नहीं बोलता और पूछता है कि इसके बाद हम कहाँ पर चलेंगे। तो न्यूल बोलती है कि इसके बाद हम एक कैफे में जाकर बुक्स पढ़ेंगे। ये सुनकर जोंग सह नहीं पाता और उसे अपने साथ यहाँ से सीधा एक मूवी थिएटर में लेकर जाता है, जो देखकर न्यूल काफी ज्यादा खुश होती है। मूवी के बीच में दोनों एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते हैं और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं। यहाँ से फिर दोनों गेम्स खेलने के लिए जाते हैं और साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज भी क्लिक करवाते हैं, जो सबसे न्यूल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम इन दोनों को एक कैफे में देखते हैं जहाँ पर ये बैठकर उन फोटोज को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। जहाँ पर जोंग न्यूल को बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में किसी के लिए भी अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से सप्रेस मत करो जैसे कि तुम हमेशा से करती हुई आई हो, और हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को बता देते हैं कि जोंग और न्यूल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पर मॉम बोलती है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है क्योंकि जोंग उनके पास डेटिंग वगैरह की बात करने के लिए आई थी, तब उन्हें रियलाइज हो गया था। वो यून से बोलती है कि वैसे भी वो डिप्रेशन से गुजर रही है, इसीलिए अगर वो किसी के साथ रहेगी तो ये उसी के लिए अच्छा है। सीना वापस से न्यूल और जोंग पर आता है जहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा पॉइंट कब आया जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम्हें जॉब छोड़नी चाहिए और तुम्हें डिप्रेशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आखिर हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था। लेकिन न्यूल यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हॉस्पिटल में। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जोंग को मिन की शादी का इन्विटेशन मिलता है, जो देखकर जोंग न्यूल को भी बता देता है कि मिन की शादी है और फिर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए कॉल करता है। पर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि मिन की शादी के बारे में सुनकर न्यूल को काफी अजीब लग रहा था। वो अब जोंग को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है, पर वो सीढ़ियों में बैठकर ही रोने लग गई थी। अगली सुबह जोंग उठने के बाद न्यूल को कॉल करता है और उसे साथ में लंच करने के लिए पूछता है, लेकिन न्यूल उसे मना कर देती है और बोलती है कि अभी वो बाहर गई हुई है। उसे लगता है कि वो बिजी होगी इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं करता। तभी उसे भी मैसेज आता है कि आज उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। दूसरी तरफ हम न्यूल को भी साइकेट्रिस्ट के पास देख पाते हैं जहाँ न्यूल चाहती थी कि डॉक्टर उसे डिप्रेशन की और ज्यादा दवाइयाँ दे, पर वो ऐसा करने से उसे मना कर देते हैं और उसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर बात क्या है। तब वो उन्हें रोकर यहाँ पर बताने लग जाती है, लेकिन वो क्या बोल रही थी हम नहीं सुन पाते। इतने में वहाँ पर जोंग पहुँच गया था जो कि बाहर से न्यूल को रोते हुए देखता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर न्यूल को एकदम से क्या हो गया। फिर जब न्यूल डॉक्टर से बात करके जा रही थी तो जोंग भी रोड की दूसरी तरफ से उसे फॉलो कर रहा था, जहाँ वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि न्यूल इतना ज्यादा रो रही थी। तभी वो न्यूल को एक टैक्सी में बैठकर कहीं पर जाते हुए देखता है, तो वो उसे वापस से कॉल करके मिलने के लिए बोलता है, लेकिन न्यूल बोलती है कि वो अभी किसी से मिलने के लिए जा रही है तो वो उसे बाद में मिलेगी। जोंग भी अभी यहाँ सीधा किम के ऑफिस में जाता है जहाँ में पता चलता है कि असल में कल किम ने जोंग को अपने ऑफिस के अंदर जॉब को ऑफर दिया था ताकि वो फिर से एक रीस्टार्ट कर सके, लेकिन जोंग उसे आज यहाँ पर आकर मना कर देता है। वो उसे यहाँ पर बता देता है कि वो न्यूल को डेट कर रहा है जो कि अभी अनएम्प्लॉयड है, और अगर वो काम करने लगेगा तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलकर वो यहाँ से घर पर जाता है, लेकिन घर के बाहर ही उसे वांग और यून मिल जाते हैं जो कि उसे जबरदस्ती अपने घर के अंदर ले जाते हैं। वांग उसके लिए खाना बनाने के लिए सीधा किचन में जाती है और यून जोंग को न्यूल के रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम न्यूल को बाहर लेकर गए और क्या तुम्हें इसमें मेरी हेल्प चाहिए, और वो उसे आइडियाज देने लग जाता है पर जोंग उसे मना कर देता है। जो बात जाकर यून मॉम को बोलने लग जाता है कि ये आपका सन इन लॉ नहीं है। अब जैसे ही जोंग भी यहाँ से जाने वाला था तभी वो एक फोटो देखता है जिसमें न्यूल और किम एक साथ थे, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों शायद पास में रिलेशनशिप में रह चुके थे, जो देखकर वो रियलाइज करने लग जाता है कि कैसे इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ हमेशा काफी अजीब था और कैसे मैंने उसे फिलहाल डेट करने के लिए मना किया था। इन सब चीजों को सोचते हुए जोंग यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम न्यूल को देखते हैं जो कि अपनी एक एक्स कलीग से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो उसे मिन की शादी के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि वो रिजाइन कर रहा है। इस पर न्यूल बोलती है कि अभी अभी तो उसका प्रमोशन हुआ है तो वो रिजाइन क्यों कर रहा है। तो उसकी कलीग बताती है कि उसकी शादी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ की बेटी से होने वाली है, अब वो उन्हीं के साथ जॉब करेगा और शायद उसने प्रमोशन यहाँ पर इसीलिए लिया था ताकि उसके रिज्यूम में अगर एक हायर पोस्ट दिखेगी तो उसे और ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर उसकी बातों से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर बनने के लिए जो डिजर्शन लिखना था वो सब कुछ न्यूल ने किया था, लेकिन किम ने उस पूरे डिजर्शन के अंदर उसका नाम हटाकर अपना नाम डाल दिया जिससे कि उसका प्रमोशन हो गया। साथ ही उसकी कलीग यहाँ पर उसे ये भी बता देती है कि आज शाम को मिन एक पार्टी देने वाला है। जो सारी चीजें सुनकर न्यूल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सीन अब यहाँ से पास में आता है जहाँ पर न्यूल का पूरा दिन काफी ज्यादा अच्छे से जा रहा था, उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, उसने पीटी का एग्जाम भी पास कर लिया था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि आज का दिन कितना अच्छा है, लेकिन जब वो घर की तरफ जा रही थी
तभी उसे रास्ते में एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसके अंदर उसके डैड थे। हॉस्पिटल में जाने पर उन्हें पता चलता है कि उसके डैड की मौत हो गई है। न्यूल ये सारी चीजें डॉक्टर को बता रही थी। ये कैसे उस मोमेंट के बाद से जब भी वो बहुत ज्यादा खुश होती थी तो उसे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये खुशी कब तक रहने वाली है और कुछ बुरा ना हो जाए। शायद यही वजह थी कि जब मैंने उसे कंफर्ट किया तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ से फिर हमें दिखाया जाता है कि जब न्यूल हॉस्पिटल में काम करती थी तब मैंने उसका बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता था और उसकी काफी हेल्प करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिनी ये सब सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहा है, क्योंकि न्यूल ने जिन भी प्रोजेक्ट और डिसीजंस पर काम किया था वो सारे मिन ने अपने बताकर सबमिट कर दिए, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन मिल गया, जबकि उसके पीछे सारी मेहनत न्यूल की थी। न्यूल ने जब इस बात के बारे में इनको कन्फ्रंट किया तो उसे बोल देता है कि वो तो सिर्फ उसका यूज कर रहा था, जो सुनकर न्यूल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। लेकिन मिन को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी। शायद इसी सब की वजह से न्यूल डिप्रेशन में चली गई। प्रेजेंट में ये सब याद करके न्यूल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सीधा मिन की पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर मिन तो इसको यहाँ पर अचानक से देखकर काफी शॉक हो गया था, लेकिन वो सभी के सामने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था, इसलिए वो न्यूल को वेलकम करता है और उसे ड्रिंक सर्व करता है। पर न्यूल उस ड्रिंक को मिन के मुंह पर ही फेंक देती है, जो देखकर मिन को भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो न्यूल बोलती है कि क्या मैं सभी के सामने बता दूं? फिर वो उसे एक ऑनेस्ट लाइफ जीने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है और मिन सभी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। सीन अब यहाँ से किम पर आता है, जो जब क्लिनिक से जा रहा था तभी उसे सियोल मिल जाती है, जहाँ सियोल के पूछने पर वो उसे बता देता है कि जोंग ने उसकी जॉब को ऑफर ठुकरा दिया है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की देखभाल करना चाहता है। जो सुनकर सियोल तुरंत ही न्यूल को कॉल कर देती है, जो कि एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो उसे सारी बातें बता देती है कि कैसे जोंग उसकी वजह से जॉब नहीं कर रहा। ये जानकर न्यूल को और ज्यादा बुरा लगता है। अब जब वो बारिश में भीगते हुए घर जा रही थी तभी उसे रास्ते में जोंग मिल जाता है, जो कि न्यूल को इस तरीके से देखकर पूछने लग जाता है कि आखिर तुम भीग क्यों रही हो, और उसे अपने अम्ब्रेला में खड़े करता है। पर न्यूल तो उसे यहाँ पर सीधा ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है। वो बोलती है कि कल तक मैं एकदम ठीक थी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं शायद अभी रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तो जोंग उसे बोलता है कि अगर तुम्हें स्ट्रगल करना ही है तो मेरे साथ रहकर कर लो ना, जो भी पेन होगा उसे हम दोनों बांट लेंगे और तुम्हें अकेले सफर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन न्यूल कुछ नहीं बोलती और जाने लगती है। तो जोंग उसे रोककर अम्ब्रेला पकड़ा देता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं पसंद करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अम्ब्रेला रख लो। ये बोलकर वो भी अपसेट होकर चला जाता है, जिसके जाने के बाद न्यूल बहुत ज्यादा रोने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।